गुड मॉर्निंग एवरीवन। आ रही है मेरी वॉइस सबको? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। लास्ट टाइम मुझे बताओ जल्दी से, हमने कौन सा टॉपिक किया था? रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, एक बार बोर्ड चेक कर रेजिस्ट्रेशन। लो, बोर्ड देख लो एक बार, क्लियर है? ब्लर तो नहीं है? अच्छा, यस मैम, ये मैम। अब उसके बाद देखो, हमने अब तक अगर मैं मैक्सवेल इक्वेशन में से सेकंड या फिर थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन की बात करूं, तो डेल डॉट बी थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन थी ये, क्योंकि हमारे पास मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए डेल डॉट बी किसके इक्वल आ जाता है? जीरो के इक्वल आ जाता है। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक किया था, सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक किया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने ये निकाला था, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू जीरो, हमने ये चीज निकाली थी। और यहां से हमने कंक्लूजन निकाला था कि मैं E को माइनस डेल ऑफ बी लिख सकती हूँ। E को मैं माइनस डेल ऑफ बी लिख सकती हूँ। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि अगर आप यहाँ पे डेल ऑफ बी पुट करोगे, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑलवेज जीरो रहता है। ठीक है, अगर ये वैल्यू मैं ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दूँ, डेल क्रॉस डेल ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट क्या रहता है? ऑलवेज जीरो रहता है। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्केलर, यहाँ पे जो बी है वो स्केलर पोटेंशियल है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने स्केलर पोटेंशियल की टर्म्स में लिखा है। ठीक है, ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में चीज की थी। अगर हम इसके पैरेलल ही मैग्नेटोस्टैटिक में आते हैं, तो वहां पे हमारे पास इक्वेशन होती है डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, अगर मैं यहाँ पे बी को इन टर्म्स ऑफ वेक्टर पोटेंशियल, अब जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होती है तो वहां पे स्केलर पोटेंशियल यूज किया जाता है, जब भी मैग्नेटिक फील्ड की बात आती है तब वेक्टर पोटेंशियल यूज किया जाता है, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। वेक्टर पोटेंशियल को हम ए से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बी को ये लिख दू डेल क्रॉस ए, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू सब्सिट्यूट करके देखूं, डेल डॉट डेल क्रॉस ए इक्वल्स टू जीरो, अगर कोई वेक्टर कर्ल कर रहा है, क्योंकि अगर बी कर्ल करेगी तो ए भी कर्ल करेगा। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। अब अगर कोई वेक्टर कर्ल कर रहा है, मीन्स डेल क्रॉस ए जीरो नहीं है, तो वो कर्ल कर रहा है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी फर्स्ट टू लेक्चर में कर चुके हैं। तो हमारे पास अगर कोई वेक्टर कर्ल कर रहा है, उसका डाइवर्जेंस लोगे वो ऑलवेज क्या रहने वाला है? जीरो। तो यहाँ से हमें पता चला कि अगर मैं बी को डेल क्रॉस ए पुट कर दूं, तो इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे बी को डेल क्रॉस ए पुट कर दूं, इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास देखो नई चीज निकल के आई है, बी को मैं डेल क्रॉस ए लिख सकती हूँ। ठीक है, बी को मैं डेल क्रॉस ए लिख सकती हूँ। ठीक है, अब एक और चीज देखो, हमने ये तो निकाल लिया। ठीक है, अब ये निकाल लिया, हम ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में किया था हमने डेल क्रॉस ई, आगे हम मॉडिफाई भी कर चुके हैं इक्वेशन पर। कोई बता सकता है डेल क्रॉस ई को हमने और क्या लिखा था? डेल क्रॉस ई को किसके इक्वल लिखा था हमने? -dB/dt मैम, -curl B by curl T। कर्ल वो कौन सा लॉ था? थर्ड लो, फोर्थ, फैराडे लॉ। फैराडे फैराडे लॉ लो, मैम, फैराडे लो। हाँ जी, मैक्सवेल मैक्स सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन। सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन। यस, फैराडे लॉ, फैराडे लॉ से हमें क्या मिलता है? मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन मिलती है, वहां से हमने ये लिखा था डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस कर्ली बी बाय कर्ली टी। अब यहाँ पे आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, वैल्यू कौन से सब्सटीट्यूट करोगे?
यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं बी की, ठीक है, क्योंकि हम बी को पहले हमने ये चीज नहीं की थी, ठीक है, मुझे पता चल गया है कि मैं बी को डेल क्रॉस से लिख सकती हूँ, ठीक है, जैसे मैंने ई को इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल लिखा है वैसे ही बी को भी हमने क्या लिख दिया, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल लिख दिया, बस डिफरेंस इतना है कि ये स्केलर पोटेंशियल है, ये वेक्टर पोटेंशियल है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये क्या बनेगा, माइनस कर्ली बाय कर्ली टी डेल क्रॉस ए, ये बनेगा, ठीक है, v की मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी डेल क्रॉस ए, ठीक है, अब कर्ली बाय कर्ली टी को मैं अंदर लेके जा सकती हूँ, क्योंकि डेल में क्या आता है, सिर्फ एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि एक्स वाई जेड इंडिपेंडेंट होंगे टाइम के ऊपर, तो मैं इस टर्म को अंदर लेके जा सकती हूँ, तो अगर मैं इसको अंदर लेके गई, ये माइनस इस तरफ है ना, इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस डेल क्रॉस कर्ली ए बाय कर्ली टी इज इक्वल टू जीरो। अब मैं यहाँ पे अंदर इसको क्यों लेके गई हूँ, क्यों लेके गई हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे भी डेल क्रॉस है, यहाँ पे भी डेल क्रॉस है, तो मैं डेल क्रॉस को बाहर निकाल सकती हूँ, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से डेल क्रॉस को बाहर निकाला तो बनेगा ई प्लस कर्ली ए बाय कर्ली टी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, डेल क्रॉस E वेक्टर प्लस कर्ली A by कर्ली T is equal to zero, ये बन जाएगा। अब देखो इस चीज को आप कंपेयर करो, इन दोनों को आपने कंपेयर करना है इसके साथ, यहाँ पे लिख देती हूँ डेल क्रॉस E प्लस कर्ली A by कर्ली T is equal to zero। आप एक चीज देखो, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में थी डेल क्रॉस E is equal to zero, बट ये मॉडिफाई हुई थी, फैराडे लॉ ने इसको मॉडिफाई किया था, तो मॉडिफाई होने के बाद हमारे पास क्या निकल के आया था कि डेल क्रॉस ई जीरो के इक्वल नहीं होता है, वो इसके इक्वल होता है, अगर इसके इक्वल होता है तो हमारे पास डेल क्रॉस ई जीरो नहीं होगा, ये वाली क्वांटिटी जीरो बनेगी, ठीक है, डेल क्रॉस ये वाली क्वांटिटी क्या बनेगी, जीरो मिलेगी, ठीक है। अब हमने दोनों को कंपेयर करके यही से रिजल्ट निकालना है, कैसे, अगर डेल क्रॉस ई जीरो था तो मैंने ई को लिखा था माइनस ऑफ डेल बी, अब यहाँ पे अगर ये क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है डेल के साथ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ई प्लस कर्ल ए बाय कर्ल टी इज इक्वल टू माइनस डेल ऑफ बी, पहले यहाँ पे ई था तो मैंने ई को माइनस डेल ऑफ बी लिखा था, अब यहाँ पे ई की जगह पे ये है तो मैंने इसको लिख दिया माइनस डेल ऑफ बी, तो हमारे पास ये भी इक्वेशन मॉडिफाई हो गई है जब हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में आते हैं, तो देखो ये कैसे मॉडिफाई हुई है, ये आ गया है, इस टर्म को दूसरी तरफ ले जाओ, माइनस कर्ली ए बाय कर्ली माइनस डेल ऑफ बी, ये टर्म बन गई है, ठीक है, तो अब आपने क्या याद रखना है, अब आपने क्या याद रखना है, जो हमने ई को माइनस डेल ऑफ बी लिख रहे थे वो याद नहीं रखना है, कब होता है, वैसे होता तो ये भी है, ये होता है जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं, जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं, अगर चार्जेस मूव करना स्टार्ट कर दे, टाइम के साथ चार्जेस चेंज करना स्टार्ट कर दे, तब आपके पास ये भी चीज आ जाएगी, ठीक है, अगर रेस्ट पे है, अगर रेस्ट पे है तो ये चीज क्या हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी, अगर रेस्ट पे है तो ये चीज जीरो के इक्वल हो जाएगी, और हमारे पास फिर से ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ डेल बी आ जाएगा, ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल बी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या क्या याद रखना है, ठीक है, यहाँ से रिजल्ट से हमें क्या क्या याद रखना है, सबसे पहली चीज ये याद रखनी है अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, अब ई को माइनस डेल ऑफ बी पेपर में अगर आ जाता है कि ई का पोटेंशियल के साथ रिलेशन बताओ, वहां पे आपने E को माइनस डेल ऑफ बी नहीं लिखना है, वहां पे क्या लिखोगे, E को माइनस कर्ल A बाय कर्ल T माइनस डेल ऑफ बी लिखना है, ठीक है, उसके बाद B का फॉर्मूला आ जाता है डेल क्रॉस A, ये निकले हैं हमने दो फॉर्मूले, क्लियर है यहाँ तक सभी को, ये वेक्टर पोटेंशियल से मॉडिफाइड फॉर्म बनी है ना,
इसको डेल्वी, ठीक है मैम। लास्ट के दो लाइन समझा दो जो आपने इधर लिखी थी, अभी रब कर दी आपने। मैं मतलब किसको किसकी वजह से मैम जीरो किया, मैम इसको जीरो नहीं किया, ई की वेक्टर प्लस डेल ए डिवाइड बाय डेल टी। देखो डेल क्रॉस ई अगर जीरो होता है तो मैं ई को लिख रही थी माइनस ऑफ डेल बी। ये लिखा था पहले बताओ, हाँ जी मैम, ये लिखा था। अब मेरे पास डेल क्रॉस ई जीरो नहीं है, अब मेरे पास जीरो क्या है, ई प्लस डेल ए बाय डेल टी इज इक्वल टू जीरो। अब मेरे पास इतनी टर्म इक्वल टू जीरो है तो मैं इतनी टर्म को क्या लिख दूंगी, माइनस ऑफ डेल बी। ई प्लस डेल ए बाय डेल टी इज इक्वल टू माइनस डेल ऑफ बी। हाँ जी लिख सकती हूँ ऐसे, ठीक जी मैम, हाँ जी मैम, है ऐसे लिखा है। इस टर्म को आप दूसरी तरफ ले जाओगे तो हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है। ठीक है मैम, अच्छा, और भी हमने ये चीजें याद रखी है। सबसे पूछा जाए कि उसका फॉर्मूला क्या होता है वेक्टर पोटेंशियल का, वो सेम निकाल सकते हैं जैसे हमने पोटेंशियल निकाला है, ठीक है। पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है, टेंशन का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, चार्ज बाय डिस्टेंस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चार्ज को इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, रो इनटू पी टाउ बाय आर। बताओ जल्दी से, ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक यस मैम। है। तो हमारे पास में पोटेंशियल को इन टर्म्स ऑफ रो क्या है, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी, ये क्या है, चार्ज डेंसिटी। अगर हमने एक वेक्टर लिखना हो तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में थी तो मैं सब जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख रही थी। अगर मैं यहाँ गई हूँ मैग्नेटिक फील्ड में, ए तभी आया है ना मैग्नेटिक फील्ड में, तो वहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे क्या लिखते हैं, म्यू नॉट अपॉन फोर बाय पाई आर आएगा। ही यहाँ पे आती है करंट डेंसिटी, सिर्फ इतना चेंज आएगा, यहाँ पे आती है करंट डेंसिटी। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात कर रहे हो, बी की बात करोगे, अगर आप बी की बात करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगी, चार्ज डेंसिटी। सेम ही अगर आप ए का फॉर्मूला लिखना चाहोगे, यहाँ पे आपको चार्ज की जगह पे क्या मिलेगा, करंट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से होता है, यहाँ पे करंट डेंसिटी आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे करंट डेंसिटी आ जाएगी। लिख रहा है ग्रुप में, ठीक है। तो ये दो चीजें भी आपको पता, अगर किसी को ये वाला फॉर्मूला आता है, मैंने चार्ज को क्या कर दिया, चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में लिख दिया, अगर आप ए लिखना चाहते हो तो यहाँ पे रो की जगह पे क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा, ठीक है। और जे हमारा होता किसके इक्वल था, जे किसके इक्वल होता है, आई आई अपॉन ए बाय ए मैम। मोस्टली हम सरफेस की ही बात करते हैं। ये क्या है, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी होता है आई बाय ए, मीन्स करंट पर यूनिट एरिया। करंट पर यूनिट एरिया क्या बनता है, करंट डेंसिटी, ठीक है। यहां से आप करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन जे इंटू ए, या फिर अगर आपका ये 2D में लिखा है, मैंने ये मैंने 2D में लिखा है, अगर आप 3D में जाओगे तो डी टाउ ही आएगा, अगर आप 1D में आओगे तो यहाँ पे लेंथ एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। वो चीजें आपको पता है कि अगर आप लाइन पे बात कर रहे हो तो वो लीनियर चार्ज डेंसिटी आ जाएगी, फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी, फिर आ जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगी सरफेस करंट डेंसिटी, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, सरफेस करंट डेंसिटी। अगर 1D की बात करोगे तो सरफेस करंट डेंसिटी, अगर 2D की बात करोगे तो हमारे पास क्या बोलोगे इसको, अगर 1D में है लाइन वन लाइन करंट डेंसिटी, अगर 2D है तो सरफेस करंट डेंसिटी, अगर 3D है तो वॉल्यूम करंट डेंसिटी, ऐसे बोल सकते हो। वैसे मोस्टली ना ये चीज यूज होती है, ये 2D वाली, ठीक है। अब
हमारे पास सर, तो आपने ये जो मैंने अभी दो रिजल्ट लिखे थे वो याद रखने आज के लेक्चर में। अगर आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है तो हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमने इस चैप्टर में और तो कुछ नहीं करना क्योंकि वो एमएससी वाला है जो अपने सिलेबस में नहीं है। अब इसमें कुछ टॉपिक्स हमारे बचते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है, वो हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे क्योंकि वो मतलब 2 दिन लगेंगे उसको, फिर मैं बाद में ही उसको डिस्कस करूंगी। करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला हमारा चैप्टर बचता है, प्लस इसमें एक तो पोलराइजेशन का टॉपिक आता है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे जिसमें से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से पोलराइजेशन। याद क्या रखना है? ये दोनों जो रिजल्ट जे और रो वाला बताया था, ये वाले मैम, क्या हुआ? इसमें से याद क्या रखना है? इस आर्टिकल में जो रो और जे वाला था रिजल्ट, वो वाला। पहले बी का रिलेशन ई हाँ जी का मैम, बी वो और तो ए के दोनों साथ। क्लियर हाँ, हो गए। हाँ जी, अगर आपको बी पता है तो ए निकाल लोगे, वहां हाँ पे जी चार्ज डेंसिटी है, यहाँ पे करंट डेंसिटी है, ठीक है मैम। ये बाकी सारी चीजें तो सेम है। ठीक है मैम। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मतलब पोलराइज कर देना, पोलराइज कर देना मतलब एक डायरेक्शन में उसको कन्वर्ट कर देना। जब हमने डायलैक्ट्रिक किया था वहां पे सारे डायपोल्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड चले गए, तो हम क्या बोलते थे कि सिस्टम पोलराइज हो गया है। तो सेम चीज यहाँ पे है, अगर आपको पोलराइज लाइट के बारे में पूछा जाए कि ये क्या होती है, पोलराइज लाइट बोला जाए कि ये क्या होती है, तो आप क्या बताओगे? ठीक है, पोलराइज लाइट मींस सारी मींस एक ही डायरेक्शन में कन्वर्ट हो जाना। अब अगर आपको ये भी चीज नहीं पता चली, मैं ऐसे समझाती हूँ आपको। मान लो ये लाइट है, ये लाइट है जिस जो सभी डायरेक्शन में फैली हुई है, ठीक है, ये क्या है, लाइट है जो सभी डायरेक्शन में फैली हुई है, ठीक है, इसको बोलेंगे अनपोलराइज लाइट। ठीक है, अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो तीन दो चीजों से मिलकर बनी होती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। हम मोस्टली पोलराइजेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप पोलराइज लाइट को क्या बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स सभी डायरेक्शन में फैले हुए हैं, मींस सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। हमें पता है कि ईएम वेव्स क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बनी होती है, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि जो अनपोलराइज लाइट है वो क्या होती है, जिसके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्पोनेंट देखो सभी डायरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सभी डायरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको एक पोलराइजर से पास करते हैं, इस अनपोलराइज लाइट को हम एक पोलराइजर से पास करते हैं। तो पोलराइजर से पास किया तो क्या होगा, पोलराइजर से पास किया तो क्या होगा, बाकी जो वाइब्रेशंस पे सारी खत्म हो जाएंगी। देखो आपने कुछ बोला तो बहुत आपकी वो कर रही है, एको कर रही है आवाज। चलो जितेंद्र कुछ बोल रहे हो, नहीं मैम, मैम ये पोलराइजर इसको अनपोलराइज लाइट को पोलराइज कर देगा, एक डायरेक्शन रहेगी बाकी रिमूव हो जाएंगे। बोल रहे थे। देखो पोलराइजर की एक ऑप्टिक एक्सिस होती है, ठीक है, मान लो इसकी एक ये ऑप्टिक एक्सिस है। ऑप्टिक एक्सिस का क्या मतलब है, मैं ये चीज बोली थी स्टार्टिंग में कि पोलराइज लाइट मीन सारी जो उसके कंपोनेंट है ना वो एक डायरेक्शन में हो जाना, सारे कंपोनेंट्स जो भी इस सब डायरेक्शन में हो फैले हुए है ना,
वो सारे एक डायरेक्शन में हो जाना, इसको बोलते हैं पोलराइज करना, इसको बोलते हैं पोलराइज करना। अब अगर हमें एक डायरेक्शन में करना है तो एक ही डायरेक्शन इसमें क्या होगा कि जो इसके पैरेलल वाले कंपोनेंट होंगे, ठीक है, हर एक की आप किसी भी डायरेक्शन में बनाना चाहते हो तो उस डायरेक्शन में हम ऑप्टिक एक्सिस वाला पोलराइजर यूज कर सकते हैं। मान लो मैंने ये पोलराइजर यूज किया जिसका ऑप्टिक एक्सिस ये है, तो जैसे ही लाइट इसमें से पास करेगी जो इसके पैरेलल कंपोनेंट होंगे ना वो पास कर जाएंगे, जो बाकी कंपोनेंट होंगे वो इनको वो पोलराइजर क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो जो ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल कंपोनेंट होंगे वो क्या होंगे, आगे पास होंगे, और जो बाकी कंपोनेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये देखो ये है पैरेलल कंपोनेंट, तो यहां से ये निकल के आएगा, तो लाइट अब क्या हो गई है, एक डायरेक्शन में कन्वर्ट हो गई है, तो ये है पोलराइज लाइट। ठीक है, ये क्या है, पोलराइज लाइट है। तो हमारे पास यहां से हमें क्या चीज पता चलती है कि अनपोलराइज लाइट को अगर हम पोलराइजर से पास करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, पोलराइज लाइट मिलेगी। पोलराइज लाइट मीन्स एक ही डायरेक्शन में वो ओरिएंट होगी, ये सारे कंपोनेंट्स उसके एक ही डायरेक्शन में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है, अब क्वेश्चन इसमें से क्या आता है कि आपने एक लाइट पोलराइजर से पास की, यहाँ पे जो लाइट निकली है उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। अगर आप इसके इसके इंटेंसिटी की बात करो, ये है आई नॉट, यहाँ पे आपको कितनी इंटेंसिटी की लाइट मिलेगी, ठीक है। ये चीज इम्पोर्टेंट है, इसके दो चीजें हैं, दो पार्ट है, ठीक है। दो पार्ट कौन से है, फर्स्ट पार्ट की अगर पोलराइजर से अनपोलराइज लाइट पास करवा रहे हो, ठीक है। फर्स्ट चीज क्या है कि अगर आप पोलराइजर से अनपोलराइज लाइट पास कर पाओगे तब आपको इंटेंसिटी कितनी मिलती है, आई इज इक्वल टू आई नॉट बाय टू, आई इंटेंसिटी की है, तो आपको हाफ इंटेंसिटी यहाँ पे मिलती है अगर आप अनपोलराइज लाइट यहाँ पे पास करवाओगे, ठीक है। यहाँ से पास करवाओगे तो आपको इंटेंसिटी कितनी मिलेगी, I is equal to I not by 2, ये first case है, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ से polarized light polarizer से पास हो, ठीक है, polarized light polarizer से पास हो, तो ये देखो ये ऐसे है, ये polarized light है, सेम ही मिलेगी ना फिर तो intensity में। नहीं, अगर मैं इसकी optic axis ये बना दूँ, जा फिर हम इसको हम कुछ ऐसे बनाते हैं, ये है मेरे पास, ये पोलराइज्ड लाइट है जो इस डायरेक्शन में ओरिएंट है। अब ये इसकी ऑप्टिक एक्सिस है, ठीक है, ये लाइट ऐसे है, देखो ऐसे है, ये ऑप्टिक एक्सिस के साथ क्या बना रही है, थीटा एंगल बना रही है, नीचे विजिबल है सबको, यस मैम। ये जो लाइट है ना, ये जो लाइट है वो इस ऑप्टिक एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो यहाँ इसकी इंटेंसिटी अगर आई नॉट है तो आई क्या होगा, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय थीटा ही होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो इंटेंसिटी इतनी निकल के आएगी, इसको मेलस लॉ भी बोलते हैं, मेलस लॉ। ये पेपर में डायरेक्ट चीज आ जाती है, ठीक है, बट बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं, वो गलती करते हैं वो ये नहीं देखते कि यहाँ से पोलराइजर से अनपोलराइज लाइट एंटर कर रही है या फिर पोलराइज लाइट एंटर कर रही है। जो ये लॉ बना है ये पोलराइज लाइट एंटर करनी चाहिए पोलराइजर से, ठीक है, और अगर वो कुछ एंगल बना रही है ऑप्टिक एक्सिस के साथ तो यहाँ पे हमारे पास इंटेंसिटी क्या निकल के आएगी, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अगर एक अनपोलराइज लाइट पोलराइजर से पास होगी तो इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी इनिशियल इंटेंसिटी की, ठीक है, इतनी चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इतनी चीज इंपॉर्टेंट है। नीचे वाली तो पोलराइज लाइट बनाई है ना, जो नीचे वाली जहाँ पे, ठीक है मैडम। वैसे यदि आउटपुट जीरो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि पोलराइज्ड लाइट पास कराने हैं
पर ओदी जिहड़ी ऑप्टिक एक्सिस ने ओ होर ने बाकी ठीक है एम्पली इंटेंसिटी की होता एम्पलीट्यूड का स्केल होता है मैं एम्पलीट्यूड फाइंड करूंगी इथे ओके और किसी ने कोई कंफ्यूजन हो गए चलिए के यस मैम मैडम फिर जी अनपोलराइज्ड लाइट अपन ओदे च पोलराइजर च पास करते हैं पर कुछ इनक्लाइंड कंपोनेंट भी होंगे जिन्हां दा कुछ ना कुछ वर्टिकल कंपोनेंट होगा ओदा कंपोनेंट मैं क्या उस उस दे जिहड़े पैरेलल कंपोनेंट होंगे जो पैरेलल चीज होएगी इस दे चाहे कंपोनेंट ब्रेक करके तुसी कट रहे हो या फिर सिंपली देख रहे हो पैरेलल वाली चीज आगे पास हो जानी है ओके निकल के आओगे बाहर मैम पोलराइजेशन में हमने जब डाइलेक्ट्रिक वाला किया था तब उसमें ऐसे नहीं बोला था कि भी मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव डाइपोल आ जाएगा तो मैम ये उससे डिफरेंट है पोलराइजेशन ये अलग है वो हम एटम की बात कर रहे थे डाइपोल्स की बात कर रहे डाइपोल्स पोलराइज हो रहे थे यहाँ पे लाइट की बात कर रहे हैं हम लाइट के केस में हम इसको पोलराइजेशन बोलते हैं हाँ जी लाइट का एक डायरेक्शन में हो जाना उसको भी पोलराइज बोलते हैं ओके मैम नेक्स्ट देखो अगर मैं मान लू मेरे पास देखो ये है लाइट एक मिनट ना अच्छा देखो मेरे पास ये ई वाई है ये ई एक्स है ये ई वाई है मीन्स मेरे पास दो कंपोनेंट्स हैं जब भी हम पोलराइजेशन की बात करेंगे वैसे हम बात ही इलेक्ट्रिक फील्ड की करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में हम एक रिलेशन फाइंड कर लेते हैं तो रिलेशन से हम मैग्नेटिक फील्ड को भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हम मोस्टली ना सब चीजें इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे हम जब भी हम पोलराइजेशन की बात करेंगे अब हमने क्या लिखा है मेरे पास दो कंपोनेंट्स हैं दो कंपोनेंट्स हैं मीन्स दो वेव्स हैं मान लो ई एक्स हमारे पास क्या है ई एक्स हमारे पास है इसका एम्पलीट्यूड मैं मान लेती हूँ ए cos of a किस डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं ये az minus omega t plus phi और मैं ey मान रही हूँ इसका एम्पलीट्यूड मैंने मान लिया d cos of az minus omega t अब ये क्या है टॉपिक का नाम क्या है मैम जो अभी शुरू किया ये सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स क्या मैम क्या सुपरपोजिशन ऑफ यहां से आपके पास जब हम ये टॉपिक एंड तक पहुंचेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ चीजें निकल के आएंगी जैसे लीनियरली पोलराइज लाइट क्या होती है सर्कुलर पोलराइज लाइट क्या होती है या एलिप्टिकली क्या होती है ठीक है वो यहीं से निकल के आना है तो हमने क्या माना है एक हमारे पास वेव है
एक हमारे पास पोलराइज लाइट है या फिर वेव का कंपोनेंट, लाइट का कंपोनेंट है। लाइट का कंपोनेंट एक ये है ई एक्स इक्वल टू ए कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहाँ से के ये सब जो चीज पढ़ी होती है आपको वहां से पता चल जाएगा कि जो ये वेव है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, ये जा रही है जेड डायरेक्शन में, ठीक है। तो वेव की प्रोपोगेशन है वो जेड डायरेक्शन में है। अब हमने हमने ऐसे की लिखी ये वेव मान ली जिसमें क्या है इसको हमने ई वाई मान लिया, तो इसका हमने एम्पलीट्यूड इससे डिफरेंट मान लिया, वो मान लिया बी कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी। देखो है तो यहाँ पे भी कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी, कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी। हमने क्या माना इन दोनों में फेस डिफरेंस हमने क्या मान लिया है फाइव। अब मुझे नहीं पता कि इनमें फेस डिफरेंस होगा या फिर नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो फाइव जीरो हो जाएगा, अगर होगा तो कितना होगा। अब अगर हमें नहीं पता हम सारे केसेस लेके चलेंगे कि अगर फेस डिफरेंस जीरो है तब क्या होगा दोनों वेव में, ठीक है। अगर पाई बाय टू होगा तब क्या होगा, पाई होगा तब क्या होगा। तो फाई क्या है दोनों में फेस डिफरेंस है, जब ये जा रहे हैं तो इन दोनों में फेस डिफरेंस कितना है फाइव। तो हमारे पास ये दो चीजें हैं, हमें अगर इन दोनों में रिलेशन पता चल जाए, अगर इन दोनों में रिलेशन पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि अगर पाई जीरो है तो क्या चीज बनने वाली है, अगर पाई पाई बाय टू है तो क्या चीज बनने वाली है। मतलब हमने क्या करना है सुपरपोजिशन करनी है, ठीक है। मींस दो वेव्स जब सुपर इम्पोज होती है, दो वेव्स जब सुपर इम्पोज होती है तब हमारे पास रिजल्ट क्या निकल के आएगा, ठीक है। सुपर इम्पोज मैम ई एक्स इक्वेशन में के एक्स नहीं आएगा साथ में क्योंकि वो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है ना। बस पहले इसके कंपोनेंट कहाँ पे एक और ब्रैकेट में के एक्स नहीं आएगा मैम, नहीं तो ब्रैकेट में मैंने आपको ये चीज लिखवाई थी, किसी को याद हो लिखवाई थी या फिर नहीं। जी मैम लिखवाई थी, मैंने बोला था कि ये जेड आपको क्या बताएगा प्रोपोगेशन ऑफ वेव की, जो वेव है ना वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। आपके पास ये होती है अगर वेव आपकी ये जेड है, ये वेव अगर आपकी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो अगर जेड डायरेक्शन में वेव जा रही है तो ई जेड में नहीं हो सकती, बी जेड में नहीं हो सकती, बाकी दो डायरेक्शन में होगी। वो ये चीज इम्पोर्टेंट है, इस पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है मैम। ठीक है आ गया समझ मैम क्या मैं मिस्टेक कर रही थी। ओके तो अब नेक्स्ट चीज देखो, तो दो वेव्स जब सुपर इम्पोज करेंगी तब हमारे पास रिजल्ट क्या निकल के आएगा, ठीक है। जैसे ये है तो ये वेव है ये वेव है, तो ये दोनों वेव्स जब सुपर इम्पोज करेंगी, ठीक है, एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तब हमारे पास जो रिजल्ट है क्या निकल के आएगा वो हम निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो सुपरपोजिशन होने के बाद क्या रिजल्ट निकलेगा। अब ये रिजल्ट हमें तब पता चल सकता है कि इसको हम बोल रहे हैं ई एक्स, इसको बोल रहे हैं ई वाई, अगर हमें इन दोनों में रिलेशन पता चलेगा तब आप निकाल सकते हो कि रिजल्टेंट क्या बना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसका फॉर्मूला खोल लिया, ई एक्स का फॉर्मूला खोल लिया। आपको ये चीज पता होगी इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी, ठीक है। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कोई बता सकता है क्या होता है, cos a cos b minus sin a sin b, क्या होता है cos a cos b minus sin a sin b। वैसे ना जरूरत नहीं है निकालने की, चलो जरूरत भी नहीं है करवाऊं क्या कर नहीं करवाऊं। वैसे ना छोड़ो रिजल्ट में इसका याद नहीं रहता है, छोड़ो इसका ना ये मैथड से हम करेंगे इसका ना, अगर आप ये मैथड मैंने आपको करवाने लग गए रिलेशन से तो मैथड रिजल्ट नहीं याद रहेगा आपको पेपर में, बहुत मतलब लंबा हो जाएगा, वो रिजल्ट याद मत करना। तो हम क्या करते हैं इसको ऐसे करते हैं, डायरेक्टली आपको बताती हूँ कि क्या क्या आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फाइव की वैल्यू, ठीक है,
फर्स्ट केस लेके चलते हैं, अगर पाई की वैल्यू एन पाई होती है, पाई की वैल्यू अगर एन पाई होती है, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो सकती है, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, मतलब कि अगर मैं एन को जीरो कर दू तो पाई की क्या वैल्यू बन जाएगी, जीरो। अगर एन को वन कर दू तो पाई की वैल्यू कितनी बन जाएगी, पाई। अगर मैं एन को थ्री कर दू तो पाई की वैल्यू बन जाएगी 2 पाई, अप टू सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है, ये अप टू सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं एन को कर रही हूँ जीरो तो पाई की वैल्यू आ गई जीरो, अगर पाई की वैल्यू यहाँ पे जीरो आ गई, इसका मतलब ई एक्स क्या निकल के आया है, a cos kz minus omega t। यहाँ पे ना सब खेल फाई का है, सारा खेल किसका है, फाई का है। फेस डिफरेंस, अगर फेस डिफरेंस जीरो होता है तो क्या बनेगा, अगर फेस डिफरेंस पाई बाय टू है तो क्या बनेगा, अगर फेस डिफरेंस हाफ इंटीग्रल या फिर उसकी इंटीग्रल है, हाफ इंटीग्रल है तो क्या होगा, ठीक है। सब सारा खेल किसका है, फाई का। तो पहली चीज मान ली, अगर फाई क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल हो, इंटीग्रल मल्टीपल मींस एन की वैल्यू 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन हो सकती है, ठीक है। हमने फर्स्ट केस लिया है, अगर फाई जीरो है तो फाई जीरो करके ये बन गया और ई वाई निकल आया है बी कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी। अब अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दू, क्योंकि मैं रिलेशन फाइंड करना चाहती हूँ ना, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दू ई एक्स बाई ई वाई, तो ये किसके इक्वल बनेगा, ए cos kz minus omega t divided by b cos kz minus omega t, ये कैंसिल हुआ तो यहाँ से निकल आया a by t। तो हमारे पास देखो अब ये निकल के आया है, स्क्रीन ब्लर होगी, ब्लर हो गई है मैम, अब चेक करो, सही हो गई है मैम। ex by ey किसके इक्वल आ गया है, a by b के इक्वल, ये आ गया है। अब यहां से मैं ey की अगर वैल्यू निकालना चाहूं तो ये बन जाएगा, अगर मैं ey की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या बनेगा, ये इस तरफ फ्रंट के ऊपर दिख रहा है, सबको दिख रहा है, तो अगर मैं ey की वैल्यू निकालना चाहूं भी इस तरफ मल्टीप्लाई ये नीचे आ जाएगा ey इक्वल्स टू, तो ये आपको क्या दिख रहा है, b a और b क्या है, कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड है ना, वो क्या है, कांस्टेंट, a क्या है, कांस्टेंट। तो अगर ये चीज कांस्टेंट है तो आपको ये ऐसे कुछ दिख रही है nx की तरह, ये ऐसे ही होता है, ये y है, ठीक है, जो वेरी कर रहा है ey, और यहाँ पे ex की जगह पे ex की जगह पे क्या हो जाएगा, x, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्लो, ठीक है, means m हमारी slope भी होती है constant। तो ये एक equation किसकी तरह दिख रही है, ये straight line की equation दिख रही है, straight line की equation। अगर straight line की equation है, अगर हमें draw करना हो, इस तरफ ex मान लिया, इस तरफ ey मान लिया, तो ये line ऐसे जाएगी, ये line ऐसे जाएगी, ठीक है। हाँ जी, मैं इसको बना सकती हूँ ऐसे या फिर नहीं, मैम स्लोप बन गया ना, ये स्लोप क्या हुआ तन्वी, ठीक है, स्लोप बन गया ना, स्लोप, हाँ हाँ जी। तो हमारे पास ये क्या आ गई है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई है, ये ऐसे बन गई, इसको बोलोगे आप लीनियरली पोलराइज्ड लाइट, इसको क्या बोलोगे आप, लीनियरली पोलराइज्ड लाइट,
लीनियरली मीन्स एक डायरेक्शन में ऐसे है, ठीक है। जब भी स्ट्रेट लाइन बने, ठीक है, जब भी स्ट्रेट लाइन बने तो आपके पास क्या निकल के आएगा, लीनियरली पोलराइज लाइट निकल के आएगी, ठीक है। लाइट है वो इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड होगी, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड होगी, इसको बोलते हैं लीनियरली पोलराइज लाइट। अब लीनियरली पोलराइज लाइट कब आई है, जब फाई की वैल्यू क्या थी, जीरो। अगर मैं फाई करके देखू तो क्या बनेगा, अगर मैं पाई पुट करके देखू तब क्या बनेगा, यहाँ पे हो जाएगा पाई, ठीक है। एन को जब बंद करेंगे तो पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई। तो अब मैंने पाई की जगह कर दिया पाई, तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, अब आपको ये चीज पता है कि पाई, क्योंकि चेंज किसमें होता है, चेंज ऐसे होता है कॉस 90 प्लस कुछ हो, ठीक है, कॉस 90 प्लस कुछ हो जाते, 270 प्लस माइनस थीटा हो, तब ये चेंज हो जाते हैं साइन में, ठीक है, ये चेंज हो जाते हैं साइन में। बट अगर कॉस 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो या फिर कॉस 360 प्लस माइनस थीटा हो, तो ये कॉस का कॉस ही रहता है, ठीक है, तो ये कॉस का कॉस ही रहता है। अब यहाँ पे मीन्स कॉस कॉस ही रहेगा, बट यहाँ पे प्लस आएगा माइनस आएगा, ये डिपेंड करेगा कि ये कन्वर्ट होके किसमें जा रहा है, कन्वर्ट होके किसमें जा रहा है, कॉस 180 प्लस थीटा, ये हमारे पास ऐसी चीज बन गई है, ये जीरो होता है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है, ये 360 है, ठीक है। तो 180 प्लस यहाँ पे वो बता सकता है, आप लोग मैथ्स भी कर रहे हो, थर्ड में क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव होता है, ठीक है। थर्ड में देखो 180 प्लस समथिंग है, अगर प्लस समथिंग है तो थर्ड में पहुंच गए हम, तो थर्ड में कॉस नेगेटिव होता है, अगर कॉस नेगेटिव होता है तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ex को लिख सकती हूँ मैं माइनस ऑफ a cos ऑफ kz माइनस ओमेगा t, ये आ जाएगा b cos kz माइनस ओमेगा t, ये चीज बन गई, ठीक है, क्लियर है जी ये चीज सबको। अब आपने क्या करना है, दोनों को कर दो डिवाइड, अगर आप दोनों को करोगे डिवाइड मींस ex by ey तो ये बन जाएगा माइनस a by b, आपके पास ये वो निकल के आएगा EY की वैल्यू डायरेक्शन हो जाएगी मैम स्लोप की जो, यस ये बनेगा। तो अब अगर हमने इसका ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनेगा, ये EX है, ये EY है, ठीक है, देखो इसका ग्राफ कैसे बनता है, EX को अगर आप 1 रखोगे तो ये नेगेटिव होगा, 2 रखोगे नेगेटिव होगा, ठीक है, means ex की पॉजिटिव वैल्यू पे ये क्या बन रही है चीज, नेगेटिव, यस ये, ठीक है। अगर आप ex को करोगे 0 तो ey 0 के तो रीजन से स्टार्ट होगा, ex को करोगे 1 पॉजिटिव में जा रहे हो आप इस तरफ, बट इसकी वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव, क्योंकि एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है, तो ये इस तरफ जाएगा। अगर आप ex को नेगेटिव की तरफ ले जाना स्टार्ट करोगे जैसे -1 तो -1+ तो वो पॉजिटिव में रहेगा, तो ऐसे बनेगा, बनी तो ये भी स्ट्रेट लाइन है, बनी तो ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो इसको हम बोलेंगे ये भी हमारे पास क्या आ गई है, लीनियरली पोलराइज्ड लाइन। तो जब फाई को जीरो पुट किया तब भी लीनियर आई, जब फाई को पाई पुट किया तब भी लीनियर आई, जब फाई को मैंने 2π पुट करूंगी, पहले मुझे जल्दी से 2π की वैल्यू पुट करके बताओ, पाई को 2π रखा तो क्या आएगा, जल्दी से बताओ, पॉजिटिव ही आएगा मैम, ये लीनियर ही आएगी क्या मैम, क्या आएगा, लीनियर आएगी, हाँ जी मैम, ठीक है, तो हमारे पास यही वाला केस आ जाएगा, यही फर्स्ट क्वार्टर में सारे पॉजिटिव होते हैं, यही वाला केस आ जाएगा। तो देखो मैं हम इसको लिखते हैं, तो जब फाई की वैल्यू एन पाई है और एन की वैल्यू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन है, तो सिस्टम हमारा क्या रहेगा,
लीनियरली पोलराइजर। तो आपको पेपर में कैसे क्वेश्चन आएगा, आपको पेपर में कैसे क्वेश्चन आएगा कि लीनियरली पोलराइज लाइट के लिए फाई की वैल्यू कितनी होगी, तो फाई की वैल्यू एन फाई होगी, 0, 1, 2, 3, ठीक है, ये बनने वाली है। अच्छा अब उसके बाद हम सेकेंड आते हैं, अगर मैं फाई को कर दू एन फाई बाई टू तब क्या होगा। मैम रुक जाओ, रब मत करो अभी, ये वाला एन पाई वाला जो लिखा था, ये मैम क्या लिखा था, एन पाई और एन की वैल्यूज वेरी करवाई थी, 0, 1, 2, 3, और एन तो कुछ फाइव नहीं लिख लिखा के था, एन को 0, 1, 2, 3 लिख दिया था। और तो मैम कुछ नहीं लिखा था ना इसमें, ठीक नहीं और तो कुछ नहीं। है मैम। शायद ना ये नेटवर्क खराब हो रहा है, मैं ना 5-2 मिनट में आई, मैं नीचे जाके ना एक बार बंद करके दोबारा चला के आती हूँ, फिर ना ये होगा नहीं, ये खराब करेगा आपको, ठीक है, मैं 1 मिनट में आती हूँ नीचे चला के। एक्सक्यूज मी मैम, फाई की वैल्यू जब हमने 2 फाई ले ली उसके बाद आपने जर्नलाइज किया है एन फाई के लिए, वो मैम बताना वो स्किप हो गया। अगर फाई की वैल्यू एन फाई है, एन को अगर आप 0, 1, 2, 3 अब 100 रखोगे, ठीक है, एन की वैल्यू देखोगे तो या तो 0 हो या फाई हो या 2 फाई हो या 3 फाई हो या 4 फाई हो, ऐसे है। तो जब ये चीज रहने वाली है तो आपका जो पोलराइजेशन है वो लीनियर होगी, मीन लीनियरली पोलराइज लाइट आएगी, ठीक है, लीनियरली पोलराइज लाइट आएगी आपके पास। हाँ जी क्लियर है आपके ये। अब जितनी देर में नीचे वाईफाई चला के आती हूँ आप लोगों ने क्या करना है, पाई की वैल्यू अगर पाई बाय टू होती है, ठीक है, और पाई की वैल्यू 3 पाई बाय 2 होती है, तब निकालो क्या बनेगा, तब निकालो क्या बनेगा।
कितनी आई वैल्यू 5/5 को 5/2 करके माइनस टेन के जेड माइनस ओमेगा टी माइनस नहीं आएगी मैम। अरे एक बार माइनस चाह रही है एक बार प्लस चाह रही है ना, मेरी दोनों प्लस चाह रही है। y component equals to b by a tan kz minus omega t ex। हाँ जी मैम चलो अगर मैं 5 को 5/2 पुट करती हूँ, 5 को 5/2 पुट करती हूँ, तो यहाँ से क्या निकलेगा? ex is equal to a cos kz minus omega t plus 5/2। तो यहाँ से अब बताओ ये 90 है ना, तो cos 90 plus theta sin theta में convert हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? नेगेटिव पॉजिटिव नहीं पॉजिटिव होगा। हाँ जी हाँ ठीक है ठीक है, मैं ये गलत कर गया। पॉजिटिव होगा मैम, नेगेटिव नहीं आएगा सेकंड क्वार्टर में। सेकंड क्वार्टर में कॉस, सेकंड में कॉस नेगेटिव होगा, ठीक है? सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, आप साइन को देख रहे हो, साइन टाइम नहीं देखना है, अगर वर्ड किसको दिया है कॉस को, तो कॉस थीटा। हां जी मैम ठीक है, 5/2 प्लस थीटा, तो वो क्या होगा सेकंड में शिफ्ट करेगा तो माइनस आएगा, तो हमारे पास ईएक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए साइन ऑफ थीटा, ठीक है? मतलब कि साइन केजेड माइनस ओमेगा टी, और बी की ई वाई की वैल्यू क्या है? बी कॉस केजेड माइनस ओमेगा टी। अब देखो अगर आप डिवाइड करोगे, अगर आपने दोनों को डिवाइड कर दिया तो आपके पास आ जाएगा टेन, बट टेन कोई रिजल्ट निकाल के नहीं देगा, टेन कोई रिजल्ट निकाल के नहीं देगा, तो हम क्या करते हैं? देखो मुझे एक चीज दिख रही है यहाँ से, क्या चीज दिख रही है? अगर मैं साइन स्क्वायर कर दूं कॉस स्क्वायर कर दूं तो ये वाली चीजें रिमूव हो जाएंगी, अगर मैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कर दूं तो ये वन हो जाएगी, ये वाली चीजें रिमूव हो जाएंगी, तो हमने क्या करना है? दोनों की स्क्वायरिंग करो बोथ साइड, और फिर क्या कर देना? ऐड कर देना दोनों को, क्या करो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर दो। तो यहाँ पे देखो ईएक्स का स्क्वायर इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर इसका इसका हो जाएगा, अब कर दिया ऐड, तो ईएक्स स्क्वायर प्लस ईवाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक का स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे आएगा अच्छा ये भी कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। देखो इसको भी ना थोड़ा सा इजी करने के लिए इसको क्या करते हैं, इसको इसके नीचे ले आते हैं, इसको इसके नीचे ले आते हैं, मतलब ex square by a square is equal to sin square by kz minus omega t, means जो ये a square है ना मैं इसको नीचे ले लेती हूँ, ऐसे ही e by square by a square b square इसके इक्वल बन गया cos square kz minus omega t। अब कर दो एडिंग, अब एडिंग की तो ई एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया? इसकी इक्वेशन है एलिप्स की, ये एलिप्स की इक्वेशन है। अच्छा अगर हमारे पास ये एक एलिप्स की इक्वेशन है, अगर मैंने यहाँ पे किया था 5 को 5/2, आप 5 को 3/2 वैल्यू पुट करके मुझे आंसर बताओ, एक मिनट लगाओ निकालने में, 5 को 3/2 पुट करके मुझे आंसर बताना क्या निकला है आपका। सेम आएगी इलिप्स की ही आएगी इक्वेशन, सेम इलिप्स ही आएगी। यस मैम सेम आएगी, क्योंकि उसमें मैम a by b sin by cos आ रहा था, प्लस में आ रहा था दोनों। हाँ बस चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो उसमें प्लस ही बनाना है। हाँ जी मैम, क्योंकि स्क्वायरिंग हो गई है तो हमारे पास यहाँ पे एलिप्स ही आएगी। कब? कब? अगर पाई की वैल्यू क्या है? एन पाई बाय टू है, एन की वैल्यू 1, 2 रखा तो पाई बन जाएगा 3/5/7। ये चीज समझ में आई कैसे लिखी? एन को अगर मैं 1 रखूंगी तो आएगा पाई बाय टू, एन को अगर 1 रखेंगे तो आएगा पाई बाय टू, अगर मैं n को 2 रख दूं, 2 रख दिया तो 2 के साथ 2 कैंसिल, पाई वो लीनियर पोलराइज हो जाएगी, लीनियर
पोलराइजर, तो यहाँ पे रखना पड़ेगा 3, तो 5 की वैल्यू आ जाएगी 3/2, तो यहाँ पे ऑड वैल्यूज लिखनी है आपने, ठीक है, यहाँ पे ऑड वैल्यूज लिखनी है। मैडम जी अपना स्टार्टिंग च ईएक्स ईवाई ले सीगे, हां जी ਉਹ ਮੈਡਮ ਆਪਾਂ ਦੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਟਸ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਬ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਹੈ 5 ਦੀ ਵੈਲਿਊ n π/2 ਹੈ, n π/2 ਤੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਕਿਆ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ, 1 3 5 7 ਔਡ ਵੈਲਿਊਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਹਾਂ ਪੇ ਔਡ ਵੈਲਿਊਸ। हमारे पास क्या निकल के आएगी, एक एलिप्स निकल के आएगी, एक एलिप्स निकल के आएगी, यहाँ पे ई एक्स है यहाँ पे ई वाई है, तो एक एलिप्स निकल के आएगी यहाँ पे। अब सेकंड चीज क्या है कि अगर मैं यहाँ पे ए और बी को सेम कर दू, अगर मैं ए और बी को क्या कर दू, सेम कर दू, तो क्या होगा, कल की इक्वेशन आ जाएगी। अगर मैं ए और बी को कर रही हूँ सेम, ए और बी को कर दिया सेम, मतलब a² ex² / a² ey² / a² इज इक्वल टू 1, तो ये कॉमन है, उसका ले जाओ, ठीक है। तो ये किसकी इक्वेशन बनी, इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट मिलेगी हमें। ਮੈਡਮ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਟ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਐਲਿਪਸ ਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਟ ਨੂੰ, ਇਮੇਜਿਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ, ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਓਗੇ ਉਸ ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਤੇ ਹੀ। ਅਬ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਕਿ ਅਗਰ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਐਨ 5 ਦੀ ਵੈਲਿਊ n π/2 है, 5 की वैल्यू n π/2 है, तो और n की वैल्यू 1 3 5 7 रहनी चाहिए, और यहाँ पे क्या है, एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, तो क्या बनेगा एलिप्स। अगर सेम ही चीज हो बट एम्पलीट्यूड सेम हो जाए तो क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा इसको आपने वो लिखना हो, तीनों चीजों को एक साथ लिख लो अपन को, फिर याद रखनी है अपने, याद रखनी है, चाहे यहीं से निकाल लो आपकी चॉइस है। अगर फाइव की वैल्यू एन फाइव है और एन की वैल्यू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन है, तो यहाँ पे लीनियरली पोलराइज लाइट आने वाली है। अगर फाइव की वैल्यू एन फाइव बाय टू है और एन की वैल्यू 1 3 5 अप टू सो ऑन है, और ए और बी की वैल्यू अगर सेम है, फर्स्ट केस है, अगर ए और बी की वैल्यू सेम है तो सर्कल सर्कुलर बनेगी, ठीक है। अगर ए और बी की वैल्यू सेम नहीं है तो क्या तुम्हें पता है, एलिप्स बनेगा, ये चीजें दी है हमने, ठीक है। तो लीनियर, सर्कुलर और एलिप्स, तीन चीजें दी है हमने, ये तो आपके याद भी हो गई, ठीक है। अब हम देखते हैं मूहरे पोलराइजर रखांगे ਐਵੇਂ ਮੁੜਦੀ ਦਿਖੇਗੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਰਕੂਲਰ ਪੋਲਰਾਈਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਐਲਿਪਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਲਿਪਟੀਕਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਚੁਅਲ ਤੇ ਨਾ ਲਾਈਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਮੁੜਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕੂਲਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਲਿਪਟੀਕਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੇ ਇਹ ਮੁੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਰਕਲ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘੁੰਮੇਗਾ
मैम ये तो क्लियर है मैम, जो इलिप्स की इक्वेशन जो बन रही है जैसे हमने लीनियर वाले में किया तो एक हमारी एक्स और वाई पॉजिटिव में जा रही थी, तो दूसरी जब हमने दूसरा केस किया था वो नेगेटिव में आ रही थी, तो जो इलिप्स है ये ऐसा ही बनेगा कि एक वाई एक्सिस के लॉन्ग भी इलिप्स होता है वो भी, कि मतलब दोनों केसेस में यही बनेगा। दोनों केसेस में यही बनेगा क्योंकि ठीक है मैम, दोनों स्क्वायर करोगे तो सेम ही चीज निकल के आएगी। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, मैडम वो ए ते बी ते डिपेंड करूंगा ही, जे बी बड़ा है तो फिर वो वाई वाला नहीं बनूंगा। अगर ए बड़ा है तो कुछ और बनेगा, अगर ए छोटा तो कुछ और बनेगा। देखो अगर ए बड़ा है बी से, ए क्या है मेजर एक्सेस है और बी क्या है माइनर एक्सेस, यहाँ पे पास ये होता है। इसकी लिप्स क्या बनेगी, ए बड़ा है बी से, अगर ए बड़ा है तो इसके अलोंग बनेगी लिप्स, ठीक है। अगर ए छोटा हो जाए बी से तो आपके पास ऐसे बनेगी लिप्स, ये होता है डिफरेंस। हाँ जी मैम, किसे लिखना है मैम, क्लियर मैम। नेक्स्ट अपना टॉपिक लिखो टू चेक वेदर इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, वेदर चेक इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, चाहे वो सर्कुलर है चाहे वो इलेप्टिकल है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, वो हमें देखना है। तो देखो वो कैसे देखना है, हमारे पास ex की वैल्यू है ए कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। ई वाई की वैल्यू है बी कॉस के जेड माइनस ओमेगा डी, अगर हम सर्कल की बात कर रहे हैं तो पाई टू कर दो, पाई बाय टू। अगर हम सर्कल की बात कर रहे हैं, ये सर्कल की बात कर रहे हैं तो मैंने पाई को कर दिया पाई बाय टू, ठीक है, पाई को कर दिया पाई बाय टू। अब सबसे पहली चीज आपने क्या करना है, जब भी हम चेक करना हो, हमें चेक करना हो ये क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है, हमें क्या करना है जेड को जीरो पुट करना है, जेड को जीरो पुट करना है, ठीक है। तो वहां पर जेड को क्या करना है जीरो पुट कर देना है, तो के के साथ होगा, अगर यहाँ पे एक्स है तो एक्स को जीरो पुट कर दो, अगर यहाँ पे वाई है तो वाई को जीरो पुट कर दो। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चेक करने का, जेड को कर दिया जीरो, तो यहाँ पे ई एक्स पहली चीज है पाई बाई टू है तो यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ ए कॉस माइनस ओमेगा टी, बताओ जल्दी से इसको ऐसे लिखूंगी मैं, जब कुछ और लिखा जाएगा माइनस ए कॉस ओमेगा टी ये आएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा था कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, थीटा प्लस पाई बाय टू ये कन्वर्ट होता है, अच्छा साइन आएगा, साइन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइन, साइन एक ऑड फंक्शन है, साइन एक ऑड फंक्शन है, ऑड मतलब कि साइन ऑफ माइनस ऑफ थीटा, साइन माइनस ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, कॉस एक इवन फंक्शन है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, साइन एक ऑड फंक्शन है तो माइनस बाहर निकल आता है, बट कॉस एक इवन फंक्शन है तो यहाँ पे माइनस ऑफ थीटा किसके इक्वल होगा, कॉस ऑफ थीटा के ही इक्वल होगा। तो यहाँ से देखो सी एक्स की क्या वैल्यू निकल आई है, माइनस 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 प्लस हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी, फिर ई वाई हो जाएगा ये तो माइनस अंदर ही ऑब्जॉर्व हो जाएगा बी कॉस ओमेगा टी, ये बनेगा ई एक्स और ई वाई की हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, ठीक है, ई एक्स और ई वाई की हमारे पास ये वैल्यूज निकल के आई है। अब
आगे देखो, आगे क्या है हमारे पास, यहाँ पे सेकेंड स्टेप है ये फर्स्ट स्टेप को था कि हमने जेड को कर दिया जीरो, अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है, एक बार आपने ओमेगा टी को जीरो पुट करना है, एक बार आपने ओमेगा टी को पाई बाय टू पुट करना है। एक बार ओमेगा टी को जब जीरो पुट किया, जीरो मींस साइन जीरो कितना होता है जीरो, साइन जीरो कितना होता है जीरो, तो सारी टर्म ही जीरो बन गई। उसके बाद जीरो पुट किया, कॉस जीरो वन होता है, ई वाई की वैल्यू आ गई बी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर ओमेगा टी को किया पाई बाय टू, साइन पाई बाय टू वन होता है, तो ई एक्स की वैल्यू आ गई ए, कॉस पाई बाय टू जीरो होता है, तो ई वाई की वैल्यू आ गई जीरो। अब यहाँ पे हमने पाई बाय टू रखा है। अच्छा एक चीज और, किसी ने बोला नहीं सर्कल है तो ए और बी सेम होने चाहिए या फिर डिफरेंट होने चाहिए? हम सेम होने चाहिए, सेम होने चाहिए मैम, सेम होने चाहिए, ठीक है, यहाँ पे सेम होने चाहिए। तो देखो अब सर्कल नीचे दिखेगा, ये ई एक्स है, ये ई वाई है, ड्राइंग ऐसी ही है, थोड़ा सा इसको सर्कल समझ लेना सारे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सर्कल है, ये सर्कल है, तो जो इसका रेडियस है, इसका रेडियस क्या होगा ए, इसका रेडियस हमारे पास ए निकल के आएगा। अब हमने क्या करना है, मैंने आपने देखा है ओमेगा टी इक्वल टू जीरो को, ओमेगा टू इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू आ रही है, ई वाई की वैल्यू आ रही है, ई एक्स तो जीरो है ना, तो यहाँ पे आएगी वैल्यू, ओमेगा टी को जब जीरो किया तो ई एक्स की वैल्यू आई जीरो और ई वाई की वैल्यू आई ए, तो इसी पे वैल्यू आई। उसके बाद ओमेगा टी को पाई बाय टू पुट किया तो ई एक्स की वैल्यू ए है और ई वाई की वैल्यू जीरो है, ये आए। तो हमने यहां से ऐसे सर्कल वो लगा देना है एल, ठीक है, जीरो से पाई बाय टू की तरफ आपने ऐसे एल लगा देना है, ठीक है। पहले बताओ ये चीज क्लियर है? ये तो क्लियर है, बट मैम एक छोटा सा डाउट था कि इसको जब हम चेक कर रहे हैं तो हम सर्कल की इक्वेशन से क्यों चेक कर रहे हैं, इलिप्स से चेक नहीं कर सकते? कर सकते हो, एलिप्स का भी सेम आएगा, ठीक है मैम, मतलब ये किसी भी कंडीशन में चेक कर सकते हैं। वहां पे ए और बी को नहीं है, यहां पे एलिप्स बन जाएगी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो फिर भी चेक करेंगे हम, ठीक है मैम। एप्लीकेशन तो डायरेक्ट नहीं पता लग गए अंदर ही, मतलब अपन इतना कुछ किया जे अपन करिए भी राइट हैंड थंब रूल लगाइए अकॉर्डिंग टू द प्रोपेगेशन ऑफ वेव, फिर भी अपने को एंटी क्लॉकवाइज ही बनती है सेंस, क्लॉकवाइज ही बनती है। हां जी, की मर्जी लगा लो, पर एक तो अपने अपने मेथड ने नहीं मेथड सीखा होया, वैसे तुसी देखो ये चीज बन रही है, अपना हाथ तक घूमेगी। पहली चीज एक गल याद रखियो, देखो सबसे पहले हमने अभी निकाला है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसकी क्या दिख रही है आपको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिख रही है, ठीक है, इसकी क्या दिख रही है आपको, राइट हैंडेड है या फिर राइट हैंडेड है, ये लेफ्ट हैंडेड है या फिर राइट हैंडेड है, तो उसमें आप कैसे देखोगे, लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड ये भी पूछा जाता है, ये आप कैसे चेक करोगे, तो उसके लिए आपने अपने दोनों हाथ यूज करने हैं, आपने दोनों हाथ यूज करने हैं। देखो ये एक आपने ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, अगर तो ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज होता, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये ऐसे घूम रहा होता, ठीक है, एक आपके पास ये चीज है एक ये है, ठीक है, ये क्लॉकवाइज है ये एंटी क्लॉकवाइज है, आप हाथ को ऐसे रखो,
आपको आपने ऐसे रखना है, दो ही हाथ है, ये ऐसे घूमेगा, ये देखो ऐसे घूम रहा है नीचे की तरफ और ये ऐसे जाएगा। तो ये वाला हाथ कब यूज होगा, ये हाथ कब यूज होगा, जब आप क्लॉक वाइज कर रहे होंगे। और मेरा राइट हैंड कब यूज होगा, जब आप एंटी क्लॉक वाइज कर रहे होंगे। ठीक है, आप इस चीज को मैं ऐसे रख के देखो, मैं ना दोबारा से पत्ती बना लेती हूँ। देखो हमारे पास ये दोनों केसेस है। ठीक है, आप इसको देखो, ये ऐसे घूम रहा है सर्कल, ऐसे जा रही है चीज और ये ऐसे जा रही है चीज। ठीक है, तो अपने दोनों हाथ को यूज करो। अगर आपके पास क्लॉक वाइज हो रहा, प्लस सर जो मेन चीज है, ये थंब है ना, थंब की डायरेक्शन में खड़े होकर देख रहे हो आप। देखो मैं सामने देख रही हूँ, तो ये चीज एक्स वाई प्लेन में पड़ी है, जो जेड है वो इसके परपेंडिकुलर, जो आप लोग भी इस चीज को देख रहे हो वो परपेंडिकुलर इस थंब की डायरेक्शन में खड़े होके देख रहे हो। ठीक है, और देखना भी ऐसे ही होता है। ठीक है, देखना भी ऐसे ही होता है। अगर आप लेफ्ट हैंडेड या फिर राइट हैंडेड चेक कर रहे हो, आपका थंब किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, आपका थंब उस डायरेक्शन में जाना चाहिए जिस डायरेक्शन में आप खड़े होके देख रहे हो। ठीक है, जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेशन हो रही है वेव की, जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेशन हो रही है वेव की, उस डायरेक्शन में ये थंब जाना चाहिए। ठीक है, हमारी प्रोपोगेशन किस डायरेक्शन में हो रही है, जेड में, वो बाहर की तरफ ही था। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है, तभी मैं ऐसे बना पाई, तभी मैं ऐसे बना पाई कि देखो ये ऐसे घूम रहा है सर्कल और थंब मेरा बाहर की तरफ ही आ रहा है। तो ये चीज क्या होगी, इसको बोलोगे आप लेफ्ट हैंडेड, क्योंकि मेरा लेफ्ट हैंड यूज हुआ है। इसको क्या बोलोगे आप, राइट हैंड, या थंब बाहर की तरफ ही आ रहा है। तो ये बना लेफ्ट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड क्लॉक वाइज। सर्कुलर पोलराइज ये बनेगा राइट हैंडेड एंटी क्लॉक वाइज सर्कुलरली पोलराइज, ये चीज बनेगी। हाँ जी बताओ, ये चीज क्लियर है? हाँ जी क्लियर है या फिर नहीं क्लियर? यस मैम क्लियर है। बस याद रखना, जब भी ये बनाओगे ना, जब भी ये बनाओगे थंब आपका ऐसे होना चाहिए। क्या हुआ? जैसे हमने क्लॉकवाइज के लिए तो मतलब कि ओमेगा टी और उसको जीरो पुट किया था, ओमेगा टी को जीरो और पाई बाय टू। अगर हमने एंटी क्लॉकवाइज बनाना हुआ, सेम चीज, सेम मेथड करना है आपने, सेम मेथड। पहले जेड को जीरो किया जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है, फिर ओमेगा टी को जीरो, फिर उसको। देखो ये चीज क्लियर कर देते हैं, आप ना ऐसा करो, सेम चीज रिपीट करो, फाइव को फाइव बाय सर्कल पे हमने ग्राफ पॉइंट्स लगा लिए, एक एक्स एक्सिस पे आ गया, एक वाई एक्सिस पे आ गया। हमें क्या पता चला भी पॉइंट है वाई से एक्स की तरफ आया है, मतलब कि डायरेक्शन क्लॉकवाइज हुई। मतलब कैसे? जैसे हमने एक पॉइंट ए जीरो आ गया और एक जीरो ए आ गया, तो हमें कैसे पता चला हमने वाई से एक्स की ओर आना है या फिर एक्स की वाई, एक्स से वाई की ओर? आपने टी ओमेगा टी को ऐसे किया था, मैंने ओमेगा टी इज इक्वल टू जीरो से ओमेगा टी इज इक्वल टू फाइव बाय टू की तरफ आना है आपने। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ से है, ऐसे आना है। अब आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, सेकंड केस करो, सेम चीज रिपीट करो, फाइव को थ्री पाई बाय टू रखो, करो जल्दी से, पाई को थ्री पाई बाय टू रखो और करो जल्दी से सेकंड केस। को जीरो ही मैम? हाँ जी, तो जीरो ही रहेगा ना मैम? जीरो क्यों रहेगा?
जब हम केस करेंगे, जैसे फाई को हम 3π/2 करेंगे तब। चलो करके देखो सारा, फिर देखते हैं क्या निकलता है कंक्लूजन। z को तो जीरो ही लेंगे ना। हाँ जी हाँ जी, सेम चीजें करती हैं आपने। ईएक्स और ईवाई निकालने के बाद क्या पुट करना है? एंटी एंटी क्लॉकवाइज आ गई मम्मी, उसके डायरेक्शन। तो क्या पूछ रही है? ईएक्स मतलब हमने पाई की फाई की वैल्यू 3π/2 पुट कर ली, तो हमारा ईएक्स भी आ गया, ईवाई भी आ गया, इसके बाद क्या स्टेप करना है मैम? फिर हम इसके बाद जेड को जीरो बताओ बाकी। जेड को जीरो करना है, जेड को जीरो करने के बाद फिर ई एक्स सी वाई आ जाएगा, फिर आपने ओमेगा टी को जीरो रख के वैल्यू देनी है, ओमेगा टी को 5/2 रख के वैल्यू देनी है, देन सोचो क्या होगा, करो क्या होगा। एक का तो निकल गया है एंटी क्लॉकवाइज, अब एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा क्योंकि ई एक्स टू ई वाई मूव करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। ठीक है, दो का आ गया, बाकी बताओ। मैम एंटी क्लॉकवाइज आ गया। तीन हो चुके हैं, जी मैम एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। आगे एंटी क्लॉकवाइज मैम, कितने बजे तक लगू क्लास ही? कितने बजे तक लगूगी मैडम क्लास? संडे थे कौन जाना था, जाना था कानू भाई। मैम थोड़ी ड्रॉ करके दिखा दो, वैसे तो मैम बन गया पर तो थोड़ी डायरेक्शन ही कंफ्यूजन हो रही थी, एक बार ड्रॉ करके दिखा दो मैम। हाँ जी अच्छा, ex की वैल्यू थी cos az माइनस ओमेगा टी प्लस पाई, ठीक है, ey की वैल्यू थी a cos kz माइनस ओमेगा टी, सबसे पहले पाई को हमने किया 3π/2, तो ex की वैल्यू निकली a cos kz माइनस ओमेगा टी प्लस 3π/2, ठीक है। अब हम 3π/2 कितना होता है? 270। जी मैम 270 होता है। क्या हुआ? मैम 270 होता है। मैम ये साइन होगा। तो
270 प्लस थीटा मीन्स ये चला गया हमारा फोर्थ में, क्या होता है पॉजिटिव, ये बनेगा पहली चीज 270 है ना, 270 ये चेंज हो जाएगा किसमें, साइन में, साइन आ जाएगा करेंगे हाँ जी, जेड को जीरो ने पुट करेंगे हाँ जी करना है अभी, ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप है अभी, अब कर दिया जेड को जीरो, अगर जेड को कर दिया जीरो ईएक्स की वैल्यू आई ए साइन माइनस ओमेगा टी, ई वाई आया ए कॉस माइनस ओमेगा टी, अब इसको आप क्या लिख सकते हो, ये ऑड फंक्शन है मींस माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी, ये एक इवन फंक्शन है तो इसको ऐसे ही लिखोगे, तो हमारे पास ई एक्स ई वाई की वैल्यूज ये आ गई हैं, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एक बार ओमेगा टी को जीरो पुट करना, एक बार ओमेगा टी को पाई बाय टू पुट करना, तो ओमेगा टी को जीरो पुट किया साइन जीरो जीरो, यहाँ पे ये भी ये चीज हो जाएगी वन, तो ई एक्स की वैल्यू हो जाएगी जीरो, ई वाई की वैल्यू हो जाएगी ए, ओमेगा टी को पाई बाय टू, तो ये हो गया वन ये हो गया जीरो, तो ई एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ ए, ई वाई की वैल्यू जीरो, ये बना। अब हमारे पास देखो ये चीज है, ये ई एक्स है ये ई वाई है, ओमेगा टी जीरो पे कौन सी वैल्यू आ रही है, ई एक्स की वैल्यू जीरो और ई वाई की वैल्यू ए, ई वाई की वैल्यू ए मतलब यहाँ पे आएगा, फिर ओमेगा टी को जब पाई बाय टू पुट किया तो आपने क्या करना है, ई एक्स को माइनस ए और ई वाई को जीरो, ई वाई को जीरो इस साइन पे आएगा माइनस है तो इस साइन आ जाएगा, ठीक है, तो देखो आपने कहाँ से कहाँ जाना होता है, जीरो से पाई बाय टू की तरफ जाना होता है, जीरो से पाई बाय टू की तरफ जाना होता है, तो जीरो पे ये वैल्यू थी अब ऐसे घूमोगे तो ये वैल्यू, ठीक है, तो ये ऐसे घूम रहा है मतलब कि ये एंटी क्लॉक वाइज आया, ये एंटी क्लॉक वाइज आया, और अगर एंटी क्लॉक वाइज है डायरेक्शन क्या है ऐसी है ये, ठीक है, तो ये बाहर की तरफ है जेड और आप इसी डायरेक्शन में खड़े होकर देख रहे हो, ये क्या बनेगा राइट हैंड, ये क्या बनेगा राइट हैंडर बनेगा, ठीक है, अच्छा अगर हमारे पास एक्स डायरेक्शन में हो रहा हो मोशन मीन्स जो प्रोपोगेशन है वो एक्स डायरेक्शन में हो रही हो तब आप इस चीज को कैसे देखते हो, सोच सकता है कोई, मैम अगर प्रोपोगेशन एक्स डायरेक्शन में हो रही है तो वहां पे ना जो हमारा ई एक्स वाला कंपोनेंट है वो हमारा ई जेड बन जाता, लेफ्ट हैंड नाल देख रही हूं मैडम आपको, लेफ्ट हैंड नाल हां जी जी पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेने, देखो अगर मैं इसे लिखना वाई इसे लिखना जेड मतलब मैं आगे शिफ्ट कर ली, फिर मैम राइट हैंडेड होता क्लॉकवाइज और लेफ्ट हैंडेड होता एंटी क्लॉकवाइज, वो कैसे देखा आपने, सेम ही होता तब भी सेम ही होता मैम, क्लॉकवाइज लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड एंटी क्लॉकवाइज ही होता, हाँ जी देखो अब मैंने जो कंपोनेंट लिए हैं वो एक वाई और एक जेड डायरेक्शन में लिया है और हमारे जो प्रोपोगेशन है वो एक्स डायरेक्शन में हो रही है, तो सेम चीज है यही रिजल्ट निकल के आएगा, बट अब आपने इसको यहाँ से ऐसे नहीं देखना, अब आपने देखना है इस डायरेक्शन में है एक्स डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो आपके लिए रिंग ये है, कैसे सोचना इसको, रिंग ये पड़ी है तो इसको कैसे सोचोगे, ये कैसे सोचा जाएगा, जो आपका ये है ना थंब है जो आपका वो इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जाना चाहिए, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जाना चाहिए तब ये चीज सही बनेगी, क्योंकि पहले क्या था जेड डायरेक्शन में था तो मैं ऐसे बना रही थी, अब प्रोपोगेशन एक्स डायरेक्शन में हो गई है, अब डायरेक्शन बताओ क्या होगी, लेफ्ट हैंडेड बनेगा, जब एक
पॉजिटिव एक्सिस मैडम राइट हैंडेड बनेगा ते डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज आएगा, सोचो आपकी इसको ना ऐसे सोच रहे हो देखो आपकी जो पॉजिटिव पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में प्रोपोगेशन जा रही है मतलब इस डायरेक्शन में जा रही है जो आपका है जो आपने बनाया है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये कैसे बनाया है क्लॉकवाइज बनाया है एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा और मेरा जो डायरेक्शन है थंब वो क्या जा रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में तो ये क्या है राइट हैंडेड से ही बन रहा है तो ये हमारा राइट हैंडेड हुआ बस यही ध्यान रखना है कि डायरेक्शन ऐसे चेक करनी है डायरेक्शन क्लॉकवाइज आई अपनी जिवें प्रीवियस पहला आपां कीता सीगा तां फिर आपां जिहड़ी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन आ उहदा चेंज नहीं कर सकते फिर आपां उहनूं की कहांगे लेफ्ट हैंडेड डायरेक्शन माइनस एक्स वाल हो रही है ठीक है पर मैडम जो पहले केस करे ने ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡਡ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ z ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ z ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਤਾਂ ਸੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਦੀ ਆ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥੰਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ z ਸੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮਾਈਨਸ z ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਰਫ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਰਫ ਕਰਕੇ डायरेक्शन ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ BSc ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਟਰ ਵੇਵ ਪਲੇਟ ਹਾਫ ਵੇਵ ਪਲੇਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇਹ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਇਹ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ BSc ਦੀ ਬੁੱਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਦੀ जो एडी के प्रीवियस लेक्चर है वो किसमें वो है ही नहीं उसमें तो मैं ना सारी वीडियोस एक्चुअली वो कर एक ना वीडियोस कोई उल्टी फुल्टी हो गई है इस वजह से मैंने अटैच तो की थी बट वो एक कोई पार्ट मिसिंग हो गया था बट मैंने ग्रुप में सीरीज में भेजी हुई है मैम कब भेजी आपने
देखना पड़ेगा, अब मैं एक कॉल कर लेना इसके बाद, मैं आपको भेज दूंगी। ओके मैम, लेक्चर के बाद कॉल कर लेना। मैम बस क्या हुआ, ये और भी करवाना है, समझ नहीं आया मैम, आप और भी करवाना है या बस हो गया? करवाना है बस, करो मैम, क्यों भूख लगी है? बस करो मैम, सफिशिएंट, नींद आने लग गई अब तो बहुत है मैम। ऐसा करो एक घंटा रेस्ट करो, 9 बजे आ जाना, 9 से 10 एक घंटा पड़ेगा मैम, अभी करा लो 15-20 मिनट और। हाँ जी मैम, अभी करा लो, फिर भी आएंगे हम मैम, कल ही आएंगे अब। मीटिंग भी छोड़ दी, कल भी नहीं लगी क्लास मैम, इसलिए तो आज लगा रहे हैं। कोई बात नहीं मैम, आप 8:30 तक करा दो, एक दिन और क्लास नहीं लगी थी इसलिए आप आज 3 घंटे लगाने हैं मैम, हम लोगों का बैंड बच जाएगा इतनी देर तक बैठ के। 2 घंटे हो गए बैठे हुए आपको, वैसे 1.5 घंटा हो गए। चलो 1 मिनट रुको, हम एक चीज करते हैं, जंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बस इंपॉर्टेंट है मैम ये वाला, इंपॉर्टेंट भी और इंटरेस्टिंग भी है। कल करवा देना, कल फ्रेश फ्रेश, इम्पोर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है मैम। मैम अभी खाना भी बनाना है। एक बात और पूछनी थी, हमारा स्कूल का टाइम 7:30 हो गया, तो छुट्टी जल्दी हो जाएगी, क्लास हो सकती है आफ्टरनून में? यस मैम, इट्स अ रिक्वेस्ट, क्योंकि सबका ही टाइम अब 7:30 हो गया है। सबका ही वो हो गया है? नहीं मैम, मेरी सेटिंग नहीं आएगी आफ्टरनून में। क्या हुआ? मेरी सेटिंग नहीं आएगी आफ्टरनून में। एक्चुअली एक सुबह रहती है तो मैम शाम को ना 4 घंटे बैठा जाता है मैम, फिर एकदम से 6 घंटा शाम को बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा मैम। शाम को नहीं मैम, 1 बजे हो जाए दोपहर को, मेरा पॉसिबल नहीं है मैम 1 बजे। मैम सुबह ही अर्ली कर लो, सुबह 4 बजे सुबह जल्दी लगा लो, सुबह 4 बजे लगाएंगे मुहूर्त में मैम। आपने स्कूल कितने बजे निकलना हो? 7:30 स्कूल लगना स्टार्ट हो गया है, मेरे को भी शायद सुनने में आया था 7 बजे। 7 बजे नहीं तो चलो मैम घर वाले छोड़ आएंगे, 7:15 चल पड़ेंगे घर से। 7 बजे क्लास छोड़ दिया करूं कल से? तो फिर शुरू कितने बजे करोगे मैम? 5:30 पक्का मैम? 5:30 प्लीज कर दो। ठीक है मैम, 5:30 ठीक है मैम, पक्का 5:30 शुरू कर लेना फिर। ठीक है फिर 5 बजे लिंक भेजेंगी, क्लास की टाइमिंग 5 से 7 कर दी है मैम। एक्सक्यूज मी मैम, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना उनके, उसके लिंक भेज देना ग्रुप में, इलेक्ट्रोस्टैटिक का भेज दी। Okay. क्लास स्टार्ट कितने बजे होगी? 5 बजे हो जाएगी या 5:30 होगी? 5 बजे आपने इतना कष्ट मत करना, आप 5:15 बजे आराम से लिंक भेजना, हम 5:30 बजे तक 15 मिनट में सभी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, 7 बजे आप लोग ऐसे पढ़ नहीं रहे एक घंटा, मेरी 10 बजे क्लास है ऑफलाइन, यहाँ पे हमने 2 घंटे क्या करनी है उसके बाद हमें देखना है। मान लो यहाँ से एक रे निकल रही है,
यहाँ से टॉपिक है जंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. मान लो एक रे यहां से निकल रही है, एक रे यहां से निकल रही है, ठीक है, दोनों पी पॉइंट पे मिल रही है जाके, दोनों पी पॉइंट पे मिल रही है जाके, ठीक है. वैसे ना इसको आप थोड़ा सा हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, ये है, ठीक है. जंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मतलब यहां से दो होल्स हैं आपके पास, ठीक है, डबल स्लिट अगर ट्रिपल होते तो यहाँ पे तीन हो जाते, ठीक है. वन स्लिट भी होती है वैसे, जहां पे सिर्फ एक होल होगा, ये बना होगा सिर्फ एक होल, तो हम कर रहे हैं डबल स्लिट, तो ये चीज हो जाएगी. अब यहाँ पे हमने एक सोर्स ऑफ लाइट रखा है, यहाँ पे क्या है, हमने सोर्स ऑफ लाइट रखा है, लाइट का सोर्स यहाँ पे रखा है, ये यहाँ से पास होगी, ये यहाँ से पास होगी, यहाँ पे हमारे पास डायफ्रेक्शन होगी. तो अब इससे पहले हमें पता होनी चाहिए कि डायफ्रेक्शन क्या होती है और इंटरफेरेंस क्या होती है. डायफ्रेक्शन होती है कि लाइट का मुड़ जाना, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल या फिर स्लिट, उसको हम क्या बोलते हैं, डायफ्रेक्शन, ठीक है. यहाँ पे इंटरफेरेंस ही होगी, क्या हुआ, यहाँ पे इंटरफेरेंस ही होगी अंग में. अभी सुनो मेरी बात, पहले इंटरफेरेंस डायफ्रेक्शन होगी, पहले होगी डायफ्रेक्शन, ठीक है. पहले आप ये चीजें समझो कि डायफ्रेक्शन और इंटरफेरेंस क्या होती है. डायफ्रेक्शन मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है. डायफ्रेक्शन ने क्या काम करना है, बेंड करनी है लाइट. मैम आपने पहले ही सारी सारी लाइट की प्रॉपर्टीज ही एक्सप्लेन कर देते, जो सात प्रॉपर्टीज होती है इसकी, लाइट की मैं एक्सप्लेन चाहिए, मेरे पास में अभी बुक नहीं है इसकी, मैं करा दे, मैं सिर्फ आपको जंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के साथ इंटेंसिटी बतानी है, जो इसका पार्ट है, वो जो थोड़े से इंटरकनेक्टेड, वो करवा दूंगी कल, ऑप्टिक्स ही स्टार्ट होगी आपकी, ठीक है मैम. फिर वहां पे वो भी आएगा ना सब कुछ, अपना लेजर वाला, एटॉमिक का जो लेजर वाला पार्ट है वो भी उसमें आ जाएगा, तो सारी ऑप्टिक ही लाइट ही उसमें आ जाएगी. अच्छा, अब हमारे पास सबसे पहली चीज होती है कि डायफ्रेक्शन क्या होती है. डायफ्रेक्शन होती है बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल या फिर स्लिट, मतलब की लाइट यहाँ से सीधे नहीं जाएगी, लाइट यहाँ से सीधी नहीं जाएगी, वो थोड़ी सी क्या है, बेंड होके जाएगी, ठीक है. अब एक चीज होती है इंटरफेरेंस, एक होती है इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, सुपर इम्पोज हो जाना दो वेव्स का, दो या फिर ज्यादा वेव्स का क्या हो जाना, सुपर इम्पोज हो जाना, ठीक है, उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस. मीन्स यहाँ पे लिखो सुपर इम्पोज हो जाना वेव्स का, ठीक है. अब इंटरफेरेंस हमारे पास क्या करना है, दो वेव्स ने इकट्ठा होना है, ठीक है, दो वेव्स ने एक दूसरे पे सुपर इम्पोज होना है, वो क्या होता है, इंटरफेरेंस बनता है. अब आप एक चीज सोचो, तो ये सोर्स से लाइट निकल रही है, सोर्स से लाइट निकल रही है, ये सीधी जाती, ये सीधी जानी थी इसने, ये सीधी जाती तो ये एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ते, ये एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ेंगे. अब पहली चीज ये इन्होंने जुड़ना ही क्यों है, ठीक है, इन्होंने एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस क्यों करनी है, तो उसके लिए हम पहले ये देखते हैं कि इंटरफेरेंस हमारे पास दो तरह की होती है. इंटरफेरेंस दो तरह की होती है, एक कंस्ट्रक्टिव एक डिस्ट्रक्टिव. इंटरफेरेंस दो तरह की होती है, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मींस जब आपको ब्राइट पॉइंट दिखेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपको डार्क पॉइंट दिखेगा, दिखेगा ही नहीं पॉइंट, ठीक है. तो इंटरफेरेंस मींस कि या तो वो कंस्ट्रक्टिव होती है या फिर डिस्ट्रक्टिव. कंस्ट्रक्टिव मींस जब इंटरफेरेंस होगी ना तो आपको ब्राइट पॉइंट दिखेगा,
और डिस्ट्रक्टिव मीन्स डार्क आपको दिखेगा ही नहीं, ठीक है। जैसे ना हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं यही होता है, वैसे एक लाइट का सोर्स रख के यहाँ पे स्लिट रखी होती है, फिर ना एमएससी में दीवार पे वो चिपका देते थे एक अपने ग्राफ पेपर, उसपे ना ग्राफ पेपर पे या फिर ग्राफ पेपर चिपकाने के दीवार पे ना आपको स्पॉट्स दिखते थे लाइट के, सेंटर में सबसे बड़ा स्पॉट, फिर इंटेंसिटी उसकी कम होती जाती थी, ठीक है। तो वो क्या था, डिफ्रेक्शन और इंटरफेरेंस का काम होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको स्क्रीन पे डार्क और ब्राइट पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है, तभी हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी कि यहाँ पे क्या है, स्लिट से हमने पास करवाया है, सोर्स के बारे में हमें पता करना है, ठीक है। मेन चीज होती है डिफ्रेक्शन और इंटरफेरेंस करने का मतलब होता है कि हम सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं, सिस्टम के बारे में, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहते हैं। तो वो हम कैसे देखेंगे, डिफ्रेक्शन एंड इंटरफेरेंस करके। तो अगर डिफ्रेक्शन अकेला काम नहीं करेगा, डिफ्रेक्शन अकेला काम नहीं करेगा, डिफ्रेक्शन का काम सिर्फ क्या होता है, बेंड करना लाइट। बेंड करने से तो कुछ नहीं होगा ना, अगर लाइट बेंड होगी, बेंड होने के बाद क्या होता है, बेंड होने के बाद लाइट क्या होता है कि ये इंटरफेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। इंटरफेयर करने के बाद अगर तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो आपको पॉइंट्स दिखते हैं स्क्रीन पे, अगर डार्क पॉइंट, अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो डार्क पॉइंट्स आपको दिखते हैं, ठीक है। अब पहली चीज तो ये रही कि डिफ्रेक्शन और इंटरफेरेंस दोनों एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं, ना अकेला इंटरफेरेंस काम कर सकता है, क्योंकि अगर डिफ्रेक्शन ना होती तो दो पैरेलल वेव्स कभी मिल ही ना पाती, दो पैरेलल वेव्स कभी मिल ही ना पाती। तो अगर डिफ्रेक्शन ने इसको बेंड किया तभी ये इंटरफेयर हो सके। तो डिफ्रेक्शन और इंटरफेरेंस दोनों काम करते हैं। तो जंस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो यहाँ पे डिफ्रेक्शन एंड इंटरफेरेंस दोनों काम करते हैं, एक अकेला काम, अकेले इंटरफेरेंस से डार्क और ब्राइट पॉइंट नहीं मिल रही है, पहले यहाँ पे लाइट बेंड होगी, ठीक है। अब पहली चीज ये नोट डाउन कर लो कि लाइट्स यहाँ पे जो हमें ब्राइट और डार्क पॉइंट्स दिखेंगे वो किसकी वजह से दिखेंगे, वो हमें दिखने वाले हैं डिफ्रेक्शन एंड इंटरफेरेंस दोनों की वजह से। अब रही चीज, मैं बोल रही हूँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कि ब्राइट पॉइंट्स दिखेंगे। अब क्या होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मीन्स कैसे वो जुड़ते हैं दो वेव्स, दो वेव्स हमारे पास ऐसे जुड़ती है, ये एक वेव है, ये होता है क्रस्ट और ये होता है ट्रफ, वेव का ये होता है क्रस्ट और ये होता है ट्रफ। अगर दो वेव्स हैं, मान लिए हैं, अगर क्रस्ट के साथ क्रस्ट मिल रहा है, क्योंकि दोनों ने जुड़ना है ना एक दूसरे के साथ, अगर क्रस्ट के साथ क्रस्ट या फिर ट्रफ के साथ ट्रफ जुड़ रहा है तो क्या बनती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, ठीक है। क्रस्ट के साथ क्रस्ट जुड़ना चाहिए और ट्रफ के साथ ट्रफ जुड़ना चाहिए, तब क्या होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, ठीक है। अगर आपके पास क्रस्ट के साथ ट्रफ जुड़ जाए, इसका क्रस्ट इसका ट्रफ, तो आपके पास क्या होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, जीरो इंटेंसिटी, जीरो इंटेंसिटी मीन्स आपको दिखेगा ही नहीं कुछ, आपको दिखेगा ही नहीं कुछ, तो वो होता है डार्क पॉइंट। तो हमने फर्स्ट चीज इन दोनों में डिफरेंशिएट की है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्रस्ट के साथ क्रस्ट मिलना चाहिए, ट्रफ के साथ ट्रफ मिलना चाहिए जब वो सुपर इम्पोज करेंगे, और डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा कि क्रस्ट के साथ ट्रफ मिलना चाहिए, ठीक है, और हमें वहां पे इंटेंसिटी कितनी मिलेगी, जीरो। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास सेकेंड, सेकेंड किस फेज पे हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सेकेंड वे ऑफ डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा पाथ डिफरेंस से, ठीक है। पाथ डिफरेंस से मैं बता सकती हूँ कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, ठीक है। तो इस चीज को देखो, कंस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाएगा ना, हाँ जी, इंटेंसिटी कुछ ना कुछ मिलेगी आपको, तभी पॉइंट दिखेगा। देखो, एक लाइट यहाँ से निकली, एक लाइट यहाँ से निकली, अब मुझे बताओ कि यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ, इन दोनों में, इन दोनों का डिस्टेंस सेम है, पाथ सेम है दोनों का, देखने में पता चल रहा है ना ये चीज, नो मैम ये पाथ सेम नहीं है,
नहीं है मैम, ये पाथ सेम नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ आर वन है, यहाँ से यहाँ आर टू है, ठीक है, तो इनमें पाथ डिफरेंस कितना आया? पाथ डिफरेंस आया आर टू माइनस आर वन। तो यहाँ पे देखो, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल होता है लैम्डा की। लैम्डा क्या है? लैम्डा होती है वेवलेंथ, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे ना, ये वेव है, दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट और दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच का डिफरेंस। यस, ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट जहां पे ट्रफ के बीच में डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर वेवलेंथ क्या होगी? इंटीग्रल मल्टीपल होगी वेवलेंथ। अगर हमारे पास पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल होगा वेवलेंथ का, तो हमारे पास ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगी। अगर पाथ डिफरेंस हाफ इंटीग्रल मल्टीपल हो जाए, तो ये क्या बनेगी? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगी। मींस यहाँ पे एन की वैल्यू 0, 1, 2, 3 इंटीग्रल होगी, यहाँ पे हाफ इंटीग्रल वैल्यूज चल रही है, ठीक है। तो हमारे पास देखो, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का हमने ये चीज कर लिया है, ठीक है, कि दो मेथड से इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया है, कि क्रस्ट के साथ क्रस्ट मिलेगी, ट्रफ के साथ ट्रफ मिलेगी, या फिर यहाँ पे कि अगर इंटीग्रल मल्टीपल हुआ तो कंस्ट्रक्टिव है, अगर हाफ इंटीग्रल मल्टीपल हुआ तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। हमने ये चीज शायद कंडेंस में भी की है, ब्रैग्स लॉ करते हैं हम, वहां पे हम इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लेके चलते हैं, क्योंकि मैंने क्या करना है, एक क्रिस्टल के ऊपर लाइट फॉल करवानी है। अगर तेरे को दिख रही डार्क पॉइंट, तो फायदा क्या हुआ डायफ्रेक्शन करवाने का? फायदा क्या हुआ डायफ्रेक्शन का? मैं क्या चाहती हूँ कि मुझे उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पता चले। तो कैसे पता चलेगा? अगर मेरे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, मुझे कुछ दिखेगा, तब पता चलेगा हमें, ठीक है। इसलिए हम मोस्टली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवाते हैं, और हम पाथ डिफरेंस एंड लैम्डा के इक्वल देख के चलते हैं। अब यहाँ से आपको पाथ डिफरेंस तो पता चल गया, एक पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, वो कई बार पूछ लिया जाता है, ये होता है, ये क्या है? फेज डिफरेंस। दोनों फेज में कितना फेज का डिफरेंस होगा, वो बनेगा 2π / लैम्डा * पाथ डिफरेंस। ये फॉर्मूला कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। जल्दी बताओ, जितना मैंने अभी बताया है क्लियर है सब लोगों को? हम पाथ डिफरेंस दोबारा बता दो, क्या होता है ये? मतलब इमेजिन नहीं कर पा रहे कि होता क्या है ये। देखो, ये एक सोर्स है, ठीक है, एक लाइट यहाँ से निकली, एक लाइट ऐसे निकली, ठीक है। उन्होंने नहीं, देखो ये एक पी पॉइंट है, ये एक सोर्स है, यहाँ से लाइट निकल रही है, एक पिन पॉइंट है, यहाँ पे एक लाइट ऐसे गई, एक लाइट कहीं और से ऐसे लुटके गई है। नहीं, इसको भी ऐसे भी नहीं समझ आएगा आपको, मैंने ये बना देती हूँ, जंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये सोर्स है, यहाँ पे पड़ी है डबल स्लिट, ठीक है, लाइट एक ऐसे गई, एक लाइट ऐसे, एक लाइट है यहाँ से पास ली, एक लाइट यहाँ पे पास ली। मैं पी पॉइंट पे देखना चाहती हूँ कि मेरे पास क्या मिलेगा। मैं पी पॉइंट पे खड़ी हूँ, मैं देख रही हूँ कि ये लाइट जब यहाँ पे पहुंचेगी तो कैसी होगी, इनमें दोनों में पाथ डिफरेंस क्या होगा। तो इसके लिए ये वेव यहाँ पे पहुंचेगी, ये वेव ऐसे पहुंचेगी। अब अलका ये बताओ कि ये दोनों का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, क्या सेम है? नहीं मैम, डिफरेंस है पहले वाला, देखने में लग रहा है ना। तो ये है पाथ डिफरेंस, ये है पाथ डिफरेंस। अगर यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है आर वन, यहाँ से यहाँ है आर टू, तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? ये इसको माइनस कर दो इससे। हाँ जी मैम, ठीक है मैम, ठीक है। वैसे अगर हमें यहाँ पे पाथ डिफरेंस निकालना होगा ना, हम कैसे निकालते हैं? यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का क्या मतलब है? अगर आप ना इसको देखोगे, इतने पार्ट को
और इतने बार दो, ये दोनों सेम मिलेंगे आपको। तो यहाँ से हमें पता चला कि इतना पाथ डिफरेंस आया, इतना पाथ डिफरेंस निकल के आया है। ठीक है, हाँ जी बाकी बताओ, ये ए दिन बोल सकती हूँ मैं? अब यही चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं मान लेती हूँ एंगल थीटा, यहाँ पे मैंने मान लिया एंगल थीटा, ठीक है। और दो ये स्क्रीन है हमारी और ये स्लिट है, इन दोनों में डिस्टेंस है यहाँ पे कैपिटल डी, इन दोनों में यहाँ पे डिस्टेंस है कैपिटल डी, और यहाँ पे इन दो स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस है स्मॉल डी, इन दो स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस है स्मॉल डी और स्लिट और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस है कैपिटल डी, ठीक है। अब क्या मुझे कोई इतनी चीज बता सकता है, ये चीज ऐसे बन गई, ये थीटा है, ये है डी, मुझे बता सकता है कि ये पाथ डिफरेंस कितना आएगा? हाँ जी, पाथ डिफरेंस कितना आएगा मुझे बता सकता है? साइन थीटा, सो गए क्या सारे? नहीं मैम, सोच रहे थे। देखो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय दिस। हाँ नहीं, हाँ यही बनेगा, ये पाथ डिफरेंस है, ये दिस डिवाइडेड बाय दिस, यही होता है। तो पाथ डिफरेंस क्या निकलेगा? D sin theta। हाँ जी, आएगा या फिर नहीं आएगा? बताओ, ऐसे लगाते हो रूल? ये बेस है, ये एच है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये एच है, ये पी है, होता है या फिर नहीं? आप लोग तो इतने चुप हो गए। यस मैम, याद नहीं आ रहा फॉर्मूला, देखा देखा तो लग रहा है, बट होगा ऐसे ही शायद। ट्रायंगल लॉ लगाने का फॉर्मूला, पंडित बत्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तो मैम वो नहीं, ये वाला जो डी साइन थीटा, ये वाला फॉर्मूला मैं सोच रही। तो नहीं सोचना है, मैंने तो आपको ये सोचने के लिए बोला ही नहीं है, मैंने बोला ये कि ट्रायंगल है, इसमें बताओ कि मुझे अगर ये निकालना है तो ये इसके लिए हम लगाते हैं साइन थीटा। साइन थीटा होता है पाथ मींस दिस डिवाइडेड बाय दिस, पी बाय एच होता है, पी हमारे पाथ डिफरेंस है डिवाइडेड बाय एच, एच कितना है डी, ठीक है, पी वहां से पाथ डिफरेंस निकल आया डी साइन थीटा। अब एक चीज देखो, यहाँ पे ना बिल्कुल सेंटर में होता है ओ, इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमम। सेंट्रल मैक्सिमम मतलब जब वो पॉइंट जहां पे आपको सबसे ज्यादा इंटेंसिटी दिखेगी, जहां पे आपको सबसे ज्यादा इंटेंसिटी दिखेगी उसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। और ये इंटेंसिटी मिलेगी कब? जब आपका पाथ फेस डिफरेंस क्या होता है? जीरो। जब फेस डिफरेंस क्या हो जाए? जीरो। क्या हो जाए? जीरो। जब फेस डिफरेंस हमारा जीरो होता है तब हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा आता है, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी आती है, ये ना ऐसे बनता है, यहाँ से डायरेक्शनल इंटरफेरेंस होने के बाद स्क्रीन है, ये स्क्रीन पे आपको कैसे पॉइंट दिखते हैं, ऐसे पॉइंट होते हैं, सबसे पहले सेंटर मैक्सिमम कितनी कम होता जाता है, इंटेंसिटी कम होती जाती है, ठीक है। तो सेंटर मैक्सिमम क्या होता है, बनेगा जब हमारा फेस डिफरेंस कितना होगा? जीरो। जब फेस डिफरेंस कितना होगा? जीरो। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं
मैं ना यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करती हूँ, सेंट्रल मैक्सिमा से पी पॉइंट तक डिस्टेंस है वाई। नमा शुरू करा था ये? हाँ जी, वेव मैकेनिक्स से शुरू कराई है। सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा से पी पॉइंट तक डिस्टेंस मैंने मान लिया वाई, ठीक है, ओ से ये मान लिया वाई। अब मैंने ना यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की है, ये डिस्टेंस बहुत स्मॉल होता है, अगर मैं इसी को ओवरऑल वाई मान लू कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, 100 में अगर आप 0.001 ऐड करोगे तो वो अप्रोक्सीमेट 100 ही रहता है, वैसे ही यहाँ से यहाँ वाई है बट ये स्मॉल है तो मैं इसको निगलेक्ट करके टोटल को क्या मान लेती हूँ वाई। अब यहाँ से ये एंगल अगर हमारा थीटा होता है, अगर ये हमारा एंगल थीटा होता है तो मुझे कोई टेन थीटा की वैल्यू बता सकता है किसके इक्वल होगी? टेन थीटा किसके इक्वल होगा? वाई अपॉन डी। वाई अपॉन डी मींस दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये बनेगा। अब मैंने टेन थीटा की वैल्यू निकालने की है क्योंकि ये जो हमारे पास थीटा है ना ये बहुत स्मॉल है, जो ये थीटा है ये बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, तो अगर हमारे पास थीटा बहुत ही ज्यादा स्मॉल हो तो साइन थीटा को हम अप्रोक्सीमेटली टेन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अगर थीटा हमारा बहुत ज्यादा स्मॉल हो, ठीक है, तो मैं साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली टेन थीटा लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे देखो जो पाथ डिफरेंस आया है, पाथ डिफरेंस आया है ये है डी, साइन थीटा के लिए ना टैन थीटा, टैन थीटा को क्या लिखोगे वाई बाय डी, तो पाथ डिफरेंस ये आ गया है। अब अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए सेंट्रल मैक्सिमम पे फेज डिफरेंस भी जीरो मिलेगा और पाथ डिफरेंस भी क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। यहाँ पे एक चीज ऐड कर लो कि सेंट्रल मैक्सिमा पे पाथ और फाई मींस फेज डिफरेंस क्या मिलने वाला है? जीरो। तो अब हम चलेंगे, पहले हम सेंट्रल मैक्सिमा को देखेंगे, फिर आएगा फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, फर्स्ट मिनिमा, इस तरफ सेकेंड मैक्सिमा, ये ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये बनेगा सेंट्रल मैक्सिमा, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी आपको यहाँ पे मिलेगी, फिर आएगा फर्स्ट मिनिमम, डार्क पॉइंट मतलब ये बनेगा फर्स्ट मिनिमम, फिर आएगा फर्स्ट मैक्सिमम, ठीक है, ये है ब्राइट पॉइंट, कैसे चलेगी चीज, ये डार्क है, फिर आएगा फर्स्ट मैक्सिमम मींस ब्राइट पॉइंट, कैसे चलने वाली है, ठीक है, ये चीज उस तरफ विजिबल है, है। अब सेंट्रल मैक्सिमा पे सबसे पहले लिखोगे पाथ डिफरेंस क्या हो जाता है? जीरो। सेंट्रल मैक्सिमा पे पाथ डिफरेंस क्या हो जाता है? जीरो, ठीक है। उसके बाद अगर हम फर्स्ट मिनिमा की बात करें, फर्स्ट मिनिमा की बात करें या फिर फर्स्ट मैक्सिमा की बात करें, फर्स्ट मैक्सिमा की बात करें, मैक्सिमा मीन्स ब्राइट पॉइंट, ब्राइट पॉइंट कब दिखता है बता सकता है कोई, जिसने सुना है ब्राइट पॉइंट कब दिखता है? जब पाथ डिफरेंस एंड लैम्डा होता है और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। यस, जब पाथ डिफरेंस एंड लैम्डा के इक्वल होता है, पाथ डिफरेंस एंड लैम्डा के इक्वल, और एन की वैल्यूज 0, 1, 2, 3 अप टू 4 चलता जाएगा। देखो अगर n की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू 0 मींस सेंट्रल मैक्सिमा, n की वैल्यू 1 है तो फर्स्ट मैक्सिमा, फिर सेकंड मैक्सिमा, अप टू 4 चलता जाएगा। तो फर्स्ट मैक्सिमा के लिए जो पाथ डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? लैम्डा, ठीक है, वो क्या होना चाहिए? लैम्डा। तो यहां से हम लैम्डा इक्वल्स टू dy/d
सेंट्रल से फर्स्ट मैक्सिमम तक का डिस्टेंस है, ठीक है, ये इतना डिस्टेंस है ये। अब अगर हमने फर्स्ट मिनिमा निकालना, फर्स्ट मिनिमा कैसे निकालोगे, लैम्डा की जगह पे क्या होना चाहिए, लैम्डा बाय टू। यस, एंड की वैल्यू 0.23 पर ये चीज चलेगी, तो एंड की वैल्यू जब 1 होगी तो हमारे पास क्या मिलेगा, फर्स्ट मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस होना चाहिए लैम्डा बाय टू। तो यहाँ पे लैम्डा बाय टू इज इक्वल टू डी बाय टी, ऐसे लिखने जल्दी जाएंगे। अगर आप यहाँ पे सेकंड मैक्सिमम देखोगे तो 2 लैम्डा लिख दोगे, थर्ड लिखोगे तो 3 लैम्डा, ऐसे ही ये चीज चलती जाएगी, ठीक है। अब देखो उसके बाद जो मेन चीज बताने वाली है वो है इंटेंसिटी, वो क्या होती है इंटेंसिटी, यहाँ पे आपको इंटेंसिटी कितनी मिलेगी, यहाँ पे आपको इंटेंसिटी कितनी मिलेगी। इंटेंसिटी का हमारे पास फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही बता रही हूँ इसका, यहाँ लिखते हैं सबको। एक मिनट रब नहीं करना, ये लिखना है थोड़ा सा, क्या एक्सप्लेन करना है दोबारा, लिखना है कहा है मैम, उसने भी कुछ लिखना है, रब नहीं करना अभी मैम। फर्स्ट मिनिमा के लिए फिर 2 लैम्डा डी बाय स्मॉल डी वैल्यू आ जाएगी ना, लैम्डा डी बाय 2 डी नहीं आएगी, 2 आएगा ना साथ में, 2 उधर चला जाएगा, लैम्डा बाय 2 है ये, 2 लैम्डा इज इक्वल टू डी बाय डी बोल रहे हैं कैसे मैम, लैम्डा डी मैम 2 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, वाई की वैल्यू बोल रही हूँ मैम, यहाँ पे आएगा 2 नीचे मैम, वाई की वैल्यू क्यों लैम्डा बाय 2 करेंगे, अगर वाई इधर ही रख लेंगे कैपिटल डी ऊपर चल जाएगा, स्मॉल डी नीचे आ जाएगा। एक मिनट कंफ्यूजन, पता है क्या हो रहा है, आप मिनिमम की बात कर रहे हो या फिर मैक्सिमम की, मिनिमा की मैम। अच्छा मिनिमा के लिए तो लैम्डा बाय 2 हो जाएगा, ये बनेगी चीज, तो y की वैल्यू आएगी लैम्डा d बाय 2dy, 2d हाँ जी कर दो रब। यस मैम, उसके बाद हम बोले जा रहे हैं कि सेंटर में मैक्सिमम बनेगा, फिर मिनिमम, फिर फर्स्ट मैक्सिमम, इसकी इंटेंसिटी कितनी होती है। इंटेंसिटी का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू आई नॉट, आई नॉट क्या है, जो सोर्स से लाइट आ रही है, ठीक है, ये बनता है साइन एन फाइव बाय टू बाय साइन फाइव बाय टू का होल स्क्वायर, ये इतनी होती है वैल्यू, ये होती है सेंट्रल मैक्सिमा पे आपको कितनी इंटेंसिटी मिलेगी, सेंट्रल मैक्सिमा पे आपको कितनी इंटेंसिटी, सेंट्रल मैक्स नहीं ये ना, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए नहीं होगा, सिर्फ ये सबके लिए होगा, आप किसी के लिए भी फाइंड करना चाहो तो कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी इंटेंसिटी आपको स्क्रीन पे मिलने वाली है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं आई नॉट जो सोर्स से लाइट आ रही है, एन क्या है, एन है नंबर ऑफ स्लिट्स, एन है नंबर ऑफ स्लिट्स, अभी हमने डबल स्लिट किया है ना, डबल स्लिट मीन एन की वैल्यू हो जाएगी 2, ये डबल स्लिट के लिए, अगर 3 हो जाए 3 स्लिट्स के साथ काम करोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो ये जनरलाइज है कि अगर डबल स्लिट है, 3 स्लिट्स है, 4 स्लिट है, तो ये फॉर्मूला सबके लिए चल रहा है। तो अगर phi 0 होता है, अगर phi 0 होता है तो सेंट्रल मैक्सिमा आ जाएगा, अगर phi की वैल्यू वेरी करते रहोगे तो आपके पास फर्स्ट मैक्सिमा फर्स्ट मिनिमा को सब निकलते रहेंगे, ठीक है। अब आपने क्या phi की वैल्यू निकाली है, आप लोग तो अभी तक क्या निकल रहे थे, पाथ डिफरेंस, अभी मैंने आपको एक पहले फॉर्मूला बोला था 2 pi by lambda,
पाथ डिफरेंस निकाल लिया है हम लोगों ने, तो 2π/λ से मल्टीप्लाई करो क्या निकल आएगा, फेस डिफरेंस। यहाँ पे फेस की वैल्यूज पुट करके आप किसी भी फर्स्ट मैक्सिमा सेकंड मैक्सिमा वैसे ही मिनिमा के लिए इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हो। अब देखो अगर मैं यहाँ पे एन की वैल्यू 2 रखूं, हम डबल स्लिट की बात कर रहे हैं ना, डबल स्लिट की जब हम जंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं तो एन की वैल्यू हो जाएगी 2, ये बनेगा i = i0 sin 2π/2 / sin 5π/2 होल स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ, यहाँ से आई नॉट ये बना साइन स्क्वायर 5 / sin 5π/2। क्या इसमें हम कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या इसमें हम कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं? निचले पे लग सकता है हाफ एंगल फार्मूला, cos of 2 theta is equal to 1 minus 2 sin square theta वाला भी लग सकता है ना। हाँ जी मैम। अच्छा एक चीज देखो, ये है चीज आपके पास, स्क्वायर को मैं अगर बाहर ही लिखती हूँ, आप लोगों ने शायद उसमें मैथ्स में ये चीज पढ़ी होगी कि अगर लिमिट है फाइव टेंड्स टू जीरो कर दी है तो साइन फाइव बाय फाइव ये अप्रोच कर जाता है अनटू। क्या है ये रिजल्ट आप लोगों ने? हाँ जी है, तो मैं सेम चीज यहाँ पे रखूंगी, सेम चीज में यहाँ पे अप्लाई करती हूँ। कैसे अप्लाई करती हूँ? आई नॉट यहाँ पे मैं इसको पाई के साथ डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है, पाई के साथ मल्टीप्लाई है, डिवाइडेड बाय इसको साइन 5/2 के साथ मल्टीप्लाई, ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे बनेगा ये। जे वाले को 5/2 से मल्टीप्लाई भी तो करेंगे, ऊपर 2 आ जाएगा, 5 के साथ 5 कट जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है, ऊपर सबका होल स्क्वायर है, ठीक है। तो देखो ये बना, हमें ये चीज चाहिए, हमें ये चीज चाहिए, 5 के साथ 5 कैंसिल, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो अगर 5 को 0 अप्रोच करोगे ये भी 1 ये भी 1, तो ये बनेगा i नॉट और i नॉट 2 आ जाएगा इसका होल स्क्वायर, तो 4 i नॉट आ जाएगा। तो देखो सेंट्रल मैक्सिमा पे इतनी इंटेंसिटी, ठीक है, ये कई बार आपको पूछ लिया जाएगा कि जंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सेंटर मैक्सिमा की इंटेंसिटी कितनी होती है, 4 टाइम्स आई नॉट होती है, ठीक है, निकाल लो भी ऐसे, बस तो आपने ये वाली फॉर्मूला याद रखना है, ये बस सेंटर मैक्सिमा की इंटेंसिटी कही है ना मैम आपने इसमें? हाँ जी मैम, इसका नीचे वाला पता नहीं चला, नीचे वाला ये समझ नहीं आया क्या करना, ये कैसे किया? पहली चीज हमारे पास ये एक रिजल्ट होता है, ठीक है, कि साइन 5/5 अगर मैं 5 को 0 अप्रोच करवा दूं तो ये चीज बंद हो जाती है, पहले ये चीज तो पता है, ठीक है। अब आपने यही चीज सेम यहाँ पे बनानी है, कैसे बनाएंगे हम देखो, साइन 5 साइन फाइव में ऊपर मैं क्या कर रही हूँ, मुझे फाइव चाहिए ना नीचे, तो मैं फाइव से डिवाइड कर दिया, फाइव से ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे को ये चीज बन गई, बना ली मैंने ऐसे सेम चीज। अगर मैं फाइव को जीरो अप्रोच करवाऊंगी तो ये हो जाएगा वन डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे साइन फाइव बाय टू, तो मुझे यहाँ पे 5/2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी चीज यहाँ पे है उतनी नीचे होनी चाहिए, तो यहाँ पे 5/2 है, यहाँ पे 5/2 होनी चाहिए, तो इसके साथ डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ये बना। अब ये चीज बन गई, एक ये बन गई, जैसे ही मैं 5 को 0 अप्रोच करवाती हूँ, क्योंकि मैं सेंट्रल मैक्सिमम पे देख रही हूँ ना, जब 5 0 है
तो ये चीज वन हो गई, ये चीज वन हो गई, यहाँ से फाइव के साथ फाइव कैंसिल, ये टू ऊपर आ गया, तो ये बना आई नॉट टू का ऊपर क्या है होल स्क्वायर, थ्री फोर आई नॉट। हाँ जी अभी क्लियर है? यस मैम। ये आपको सेंट्रल मैक्सिमा पे कितनी इंटेंसिटी होगी ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब आपके लिए होमवर्क छोड़ रही हूँ इनका, अगर आपके पास थ्री स्लिट्स होती, अगर थ्री स्लिट्स होती मुझे लगता है। देखा है, देखा नहीं है मैम, लग रहा है हाँ नाइन ही आएगा। टू स्लिट्स है तो टू स्क्वायर, अगर थ्री स्लिट्स है तो थ्री स्क्वायर, फोर स्क्वायर फोर स्क्वायर, ये भी हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, निकालना क्या बनेगा, ठीक है। एक बार सेंट्रल मैक्सिमम बता दो कैसे क्या होता है सेंट्रल मैक्सिमम। सेंट्रल मैक्सिमम मतलब जहां पे देखो ये चीज है, ये सोर्स का ये जहां पे स्लिट्स पड़ी है, ठीक है, सेंटर है, ठीक है। यहाँ पे जो लाइट है ना वो जीरो पाथ डिफरेंस से पहुंचती है, जहां पे लाइट जीरो पाथ डिफरेंस से पहुंचती है वहां पे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी बनती है, उसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमम। जहां पे जहां से लाइट पहुंचती है जीरो पाथ डिफरेंस पे, ठीक है, तो वहां पे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी मिलती है, उसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमम, ठीक है मैम। और किसी ने कुछ भी पूछना हो तो मेरे फोन की बैटरी 5% रह गई है। इसका 9 ही आ रहा है, 3 वाले का 9 ही आ रहा है, आ रहा है मैम। यस मैम निकाल लिया। ओके ठीक है, तो रखना याद इंटेंसिटी का फॉर्मूला। फिर ये भी सेंट्रल मैक्सिमा की ही होगी ना, n इक्वल टू 3 के लिए। हाँ जी, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो आप लोग लीक कर सकते हो, कल हम 5:15 क्लास लगाएंगे। मैम जो आप क्वार्टर वेव प्लेट या हाफ वेव प्लेट कह रहे थे वो नहीं करना फिर अभी? मेरे पास ना वो नहीं है, बुक नहीं है, मैं वो मंगवाऊंगी घर से तो देखेंगे, अगर किसी के पास है तो मेरे को भेज देना। क्या चीज मैम? ऑप्टिक्स का टॉपिक मैम, क्वार्टर वेव प्लेट हाफ वेव प्लेट देखना है। ठीक है मैम, मेरे पास बुक मेंशन नहीं है, बुक तो है लेकिन मैं ढूंढ के आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, आप फोटो खींच के भेज देना मैम। आप प्लीज मैम आप ईडी जो वीडियोस है वो अपने सीरियल वाइज ग्रुप में डाल देना। ठीक है डाल देती हूँ मैम। स्टार्टिंग से आप डाल दोगे ईडी की? स्टार्टिंग से डाल दूंगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक से। ओके थैंक यू मैम। कल 5:30 पे क्लास स्टार्ट होगी ना मैम, 5:15 पे? 5:30 पे। ठीक है मैम। मैडम हाँ जी मैडम, मैंने थोड़े डिराक डेल्टा फंक्शन वाले एक्सरसाइज भेज दोगे, सॉल्वड एंड अनसॉल्वड। डिराक डेल्टा फंक्शन की होगा? नहीं नहीं ओदी एक्सरसाइज है। फोटो खींच के भेज दो की है। नहीं मैडम मैं तो मैं थोड़े तो क्वेश्चंस लेने चाहनागा, मैंने एक लेक्चर लगाया सी। हां तुसी आ जाना कल, आ जाओ एकेडमी। मतलब मैं कल ऐप चो डिराक डेल्टा फंक्शन वाला कीता सी। अच्छा तुहानू ओदी असाइनमेंट चाहिदी है ना? हां जी हां मैं अज बना दंगी, मतलब पईयां ने वैसे ते असाइनमेंट्स उत्थे ही कड़ा के ले लियो।
मैं मैडम करे सीगा, मैं आ गया सीगा, माहौल दे खराब हो गया सी ना उत्थे काफी। हाँ पटियाला च हो गया सी ना। चलो कोई गल नहीं, मैं भेज देनी है तुहानू, मैनू मैसेज कर दो। हाँ जी हाँ भेज दो। एंड मैडम जी सॉल्वेंट है तो थोड़ी सॉल्वेंट भी भेज दो। ठीक है ओके जी। एंड मैडम ईडी दा हो मतलब हुन तुसी ऑप्टिक्स शुरू करती, इट मींस ईडी कंप्लीट हो गई। ਤੁਹਾਡਾ ਈਡੀ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਟਰ ਲਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਈਡੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਈਡੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਕੈਟਰ ਦਾ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਬੈਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ।